तुम्ही एक बीज खाले असं ते बीज ती तुमने एक जाड उत्पत्ती कारण नाम ती तुमने फ्रूट साइज तुमने आओ बोलो कि फ्रूट साइज तुम्हारो काय ते प्रॉफिट आवो सर तुमने काय अप्रिशिएशन देस कोनो ते एक फ्रूट सर आता फंडामेंटल एनालिसिस होता काय आहे फंडामेंटल एनालिसिस आओ तुमने काय बोलियो आई फ्रूट्स आवान पहिलो तुम्ही सीड घाल असं ते सीड को चूज करस का मुलानो फंडामेंटल एनालिसिस मुलासा नाही आता इने तुम्ही आता सीड चूज कराना काय काय क्राइटेरिया तिना पहिलू एक स्मॉल एक आई करू उसकी क्वेश्चन है एक उसके तुमने ते को सीड चूज कराना तुमने एक आइडिया मिलना देखो बोली कान एक सेकंड ना ओके आता एक तुम्ही एक ब्रेड लेवान गया ब्रेड नो मोल जनरली काय असं सर 35 रुपीज आता अहिया 45 रुपीज ना अवेलेबल छे समझो तमा तुम्ही ते लेस का पेन ना 100 रुपीज नो मोल तो 70 रुपीज ने अवेलेबल छे ते तुम्ही लेस का शर्ट 1,500 नो मोल तो अहिया 1,550 रुपीज जो चार्ज करतो सर तमा तुम्ही लेस का फर्स्ट ब्रिडन है 35 रुपया होते हैं करंट मार्केट प्राइस इज 45 35 रुपया सर सज्जा नहीं है इट्स ओवर वैल्यू इन्हें 45 रुपीज का तरह रिकमेंडेशन इज तुम्हें लेता नहीं दिस इज व्हाट इज रिकमेंडेशन क्या तुम्हें अवॉइड करो कंपनी का नेक्स्ट अप पेन 100 रुपया नो पेन 100 रुपया पेन इट सेल्फ अदा तुम्हें पार्कर पेन 100 रुपया अवेलेबल चेक समझो दैट इज अंडर वैल्यूड पार्कर पेन इज अवेलेबल फॉर 150-200 रुपीज तो 100 रुपीज प्राइसिंग एमआरपी खाली करना तुमने 70 रुपीज अवेलेबल चाहिए करा रिकमेंडेशन इज बाई शर्ट नेक्स्ट 1,500 रुपया तुमने जो मोल करो सर 1,500 रुपया सर शर्ट ने इज ओवर वैल्यू तीनाम चो तो तुमने तुमने 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया होगा तरह इज ओवर वैल्यू अवॉइड करो आई यहाँ सिंपल सिलेक्शन को कराना होगा मोलिकन अगर फंडामेंटल एनालिसिस का तक आया आई इन साइड तुमने फंडामेंटल एनालिसिस जो सर फंडामेंटल एनालिसिस को ड्राइव हो सर मेन थिंग इज फंडामेंटल एनालिसिस कमा भी तुमने कि ना कंपनी नो काय प्रॉफिटेबिलिटी आवर्स कौन हो शेयर नो प्राइस ने ड्राइव करस राइट दैट इज अ बेसिक पॉइंट फॉर फंडामेंटल एनालिसिस सर तो अगर प्रॉफिट नहीं करता तो शेयर कंपनी नो मोल कहीं भी नहीं सेकेंड अगर जो प्रॉफिट आया तमा तीनों कंपनी नो प्रॉफिट आवर्स है कंपनी ने कंपनी नो काय वैल्यूएशन घालनो तैया काय करा सर तिने आम्ही व्हॉट इज अ बिझनेस वर्थ कमोरस इंग्लिश मग तिनं कंपनी नु काय व्हॅल्युएशन केलं सर तिनं व्हॅल्युएशन प्रकार दी तिनं शेअर नु बोल आम्ही भांधे जे कमान ते शेअर नु व्हॅल्यू तुमने भानू गत रा तुम्ही काय काय अनालाइज करनो फर्स्ट तुम्ही अनालाइज करनो मॅक्रो फॅक्टर्स मॅक्रो फॅक्टर्स सुद्धा तुम्ही ग्लोबल फॅक्टर्स आहे सर कंपनी नु इकॉनॉमी स्टेट आमार देश नु इकॉनॉमी आहे सर इंडस्ट्री नु इकॉनॉमी आहे सर इंडस्ट्री टाइप आहे सर इंडस्ट्री व्हॅल्युएशन आहे सर तैया तिनानंतर काय हवं सर ने फायनान्शियल स्ट्रेंथ हवं सर फायनान्शियल स्ट्रेंथ म्हणल्या पासून फायनान्शियल कंपनी नु काय फायनान्शियल स्टेटमेंट तिनं एक अनालिसिस करास कंपनी नु काय प्रॉफिटेबिलिटी छे दुसरं रेशियोज काय छे कॅश फ्लोज काय छे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज काय छे कॉस्ट रेशियो काय छे फायनान्सिंग कॉस्ट काय छे प्रॉफिटेबिलिटी पर्सेंटेज काय छे कॉस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट कितकू छे ते आम्ही अनालाइज करास ते अनालाइज केल्या पासून नेक्स्ट आम्ही अनालाइज करत असं पास्ट परफॉर्मन्स तर लास्ट 5 वर्षमा काय परफॉर्मन्स आहे कंपनी नो 10 वर्षमा काय परफॉर्मन्स आहे 7 वर्षमा काय परफॉर्मन्स आहे 3 वर्षमा काय परफॉर्मन्स आहे 10 वर्षमा काय परफॉर्मन्स आहे तर एक आम्ही अनालाइज करस नेक्स्ट इको अहिया तुमने मॅक्रो फॅक्टर्स फायनान्शियल स्ट्रेंथ काय करया इट इज ऑल पास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया आम्ही काय होतं ग्रोथ पोटेन्शियल तर आगळ तिनं काय ग्रोथ पोटेन्शियल छे ग्रोथ पोटेन्शियल तुम्ही ते एक अनालिसिस करू पडस तिना मग लॉट ऑफ फॅक्टर्स हवं सर लॉट ऑफ पीस अँड बीट्स हवं सर दॅट इज मेनली तुमने दॅट इज ताई ऐकल मोस्ट इम्पॉर्टंट तुमने आय वॉज की व्हॉट इज अ ग्रोथ पोटेन्शियल ताई ग्रोथ पोटेन्शियल ड्राइव्स द ऍक्च्युअल शेअर प्राइस नेक्स्ट ग्रोथ पोटेन्शियल कमा हवं सर ग्रोथ पोटेन्शियल इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द मॅनेजमेंट मॅनेजमेंट स्ट्रेंथ काय छे मॅनेजमेंट केपेबल छे का मॅनेजमेंट केपेबल नाही का ताई आयाप असती then this all these factors put together tumne fundamental analysis des ki I company itta varasma iku valuation ja sakta this is what howa tumne ata next slides ma explain karu sa ine this called as a grand picture kada kon to tumne kal ek example dio warren buffett ko bolega
वॉरेन बफे स्टार्ट कर सर ही वॉज हाई स्कूल स्टूडेंट में जो स्टार्ट करेल जो आज वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ जनरेटर को मदद से हमारे इंडिया में भी ऐसा मस्त जनों है डॉली खन्ना है राकेश झुंझुनवाला है पोनिजू गलेज है मस्त जनों है तो देयर लॉट ऑफ पीपल तिना नमे ते लॉट ऑफ वेल्थ मैनेजर्स भी है अदा तुम्हें दूसरा कंपनी एक इंडिविजुअल एनबीएफसी है इंडिया में क्लोज टू अराउंड मने गोचे इसको अराउंड 26 एनबीएफसी है जो वेल्थ मैनेजर्स है दे आर ऑल्सो ते भी ऐसा भी एनालिसिस कर सर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेट वेल्थ मैनेजर्स कंपनी का सो एवरीबडी हैज देयर ओन स्पेसिफिकेशन ओन स्ट्रेंथ्स ओन आई कंपनी तिना वो जास्ती आई करना चाहते दैट इज देयर इंडिविजुअल फोर्टे हाउ तुमने आता का एक्सप्लेन करो हाउ टू बिल्ड दैट अ फोर्टे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कौ कर फंडामेंटल एनालिसिस तीन तरह अप्रोच है एक बॉटम टॉप टॉप डाउन अप्रोच को मिलस टॉप डाउन अप्रोच को जरा हमारा आत्मा बोला तुम्हारे मुंडू देख स तुम्हारा मुंडू छोड़ से का साजरी चेका सातरो देख स जो कैसा कपड़ा पहले हो सी जो कैसा शू पहले हो सा चप्पले हले उसका तई देख स दैट इज टॉप डाउन अप्रोच नेक्स्ट बॉटम अप अप्रोच को मिलस बॉटम अप अप्रोच का जरा तरण के उपलार देखा हमारा आत्मा बोलना सर इंग्लिश में कन्नड़ा में एक गादे छे मैन्स वर्थ इज मैन्स वर्थ कैन बी फाउंड बाय द शू ही इज वेयरिंग और बाय द फुटवेयर ही इज वेयरिंग दैट इज बॉटम अप अप्रोच जो कैसा चप्पलों की शू पहलेस काय ब्रांड पहलेस तिना कड़स की तिनु काय वर्थ कमरे का तिना उपलब्ध तुम्हें नेक्स्ट जो कैसू कपड़ा पैंट कैसू पहले बेल्ट कैसू पहले शर्ट कैसू पहले पेन काय घो वॉच काय घो चेन घो का मोबाइल राख लिया उसका दैट इज बॉटम अप अप्रोच लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू काय ऑब्जेक्टिव कंपनी माइक्रो कंपनी नो फाइनेंशियल एनालिसिस कहू करो सर कि नो फाइनेंशियल मेट्रिक्स काय छे बिजनेस नो ट्रेंड काय छे बिजनेस में डिफरेंट ट्रेंड्स है सर ते ट्रेंड ना प्रकार थी बिजनेस टू वैल्यूएशंस भी चेंज हो दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है इना मध में मैंने ऑलरेडी एक मस्त क्वेश्चन है क्या सर परफेक्ट प्राइसिंग ऑफ ए कंपनी हाउ कैन यू परफेक्ट डबल डबल टॉप एंड डबल बॉटम ओके डबल टॉप डबल बॉटम आई कन टेक्निकल एनालिसिस में हो सर आम नेक्स्ट इना में तुम्हें कैजुअलिटी एक आई करूँ सर फेयर वैल्युएशन फंडामेंटल एनालिसिस कर सो तुम्हें फेयर वैल्यू कर सर आता टॉप डाउन अप्रोच कौ कर टॉप डाउन अप्रोच है कि ना ईआईसी एनालिसिस स्टार्ट कर ईआईसी एनालिसिस इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी एनालिसिस के मोड़ फर्स्ट है कि ना इकोनॉमी आवस इकोनॉमी एनालिसिस के मोड़ में ई ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो का आया सर अदा सज्जा स्थिति में हमारी क्या स्थिति में था छे थे नाम कोविड है कि ना इट्स अ ग्लोबल इम्पैक्ट मिक्स ऑल ओवर द ग्लोब में करीबन करीब करीब एक 2.5 लाख जनों मरियास सभी इकोनॉमी शटडाउन यास हा भी आई नहीं लॉकडाउन 125 देशों में जिना में एक 25 देशों से लेकर 100 देशों में लॉकडाउन करियास इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में है आईसू रिसेशन 1929 में एक ही तो इट वॉज तिने एक ग्रेट डिप्रेशन का बोला था मस्त जनों का क्या बोलते मस्त एनालिस क्या बोलते करंट सिनारियो विल बी डीपर कतर ग्रेट डिप्रेशन थी मस्त रिसेशन आवश्यक सो कतर आता करंट सिनारियो में ग्लोबल इकोनॉमिक सीरियो सिनारियो इज अंडर रिसेशन तई फर्स्ट कंसिडरेशन नेक्स्ट तई रिसेशन ग्लोबल या पसी हाउ विल इट इम्पैक्ट इम्पैक्ट आर इकोनॉमी कतर इंडियन कतर लोकल इकोनॉमी आवश्यक लोकल इकोनॉमी में हू ड्राइव्स द लोकल इकोनॉमी लोकल इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय हमारो गवर्नमेंट कतर हमारो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नो यही रिसेशन ने आई कराना ते काय काय पॉलिसीज कर सेंट्रल गवर्नमेंट नो काय काय स्कीम्स इनवाइज कर इन्सेंटिव काय देस आणि काय तर एक बेनिफिट्स देस का आरबीआई नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट मस हो आरबीआई काय काय देस इंटरेस्ट रेट कम करस का त्याचा स्पेशल इन्सेंटिव देस का ते या सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज मा हो ते काय काय बेनिफिट हो कोणता इंटरेस्टिंग बेनिफिट हो तई देख मु लागस तई दोन एनालिसिस कर आमने कळस की कोणतो इंडस्ट्री ना काय जास्ती बेनिफिट हो सर कंपनी आई देखा पस्ती
नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या आयो अमरु जीडीपी ग्रोथ रेट क्या आता कोविड ना पहलू जनवरी में अमरु ग्रोथ रेट है 5.1% हो तो इंडियन जीडीपी तीना एनालिसिस ना प्रकार 5.1 ग्लोबल जीडीपी इंती हमारो जीडीपी 1% जस्ती हो तो चाइना 4.5% जीडीपी में हो तो हमारो इंडिया 5.1 होता तो मतलब वी वर इंडिया जीडीपी वाज द हाईएस्ट इन द ग्लोब आता कोविड ही आप अस्ती एस्टिमेट्स का है इसा इंडियन जीडीपी विल बी 2.1% और 1.5% का ना एस्टिमेट आइस तदरा 5.1% ना बदलो इट हैज बीन रिवाइज्ड टू 1.5% तदरा 5.1 माइनस 1.5 कदर आर इकोनॉमी जीडीपी विल कम डाउन टिका परसेंट ही कम होतु टिका परसेंट ही तरह मस्त इंडस्ट्रीज ने इफेक्ट होस ताई इफेक्ट कौन सा जैसे इंडस्ट्रीज होस इना कहती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट ने काय डिफरेंस होस ते हमने कड़स कदर कौन तो इंडस्ट्री ना काय ग्रोथ ने डिफरेंस होस अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ जीडीपी ना हमारो देश है ना मेजरली रईत पर देश का बोलस इंडियन इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हमारे देश में 56% इकोनॉमी आज भी रैतरू तिनाती चलस रैतर रैतरू को मोला पसी फार्मर्स को मोला पसी जो ने क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर कतरा एग्रीकल्चरल सोइंग का एग्रीकल्चरल सोइंग में हमारे देश में दोन सीजन है एक मॉनसून एक है एक राबी एक है मॉनसून आई का ना इंडिया नो 68% क्रॉप ने इफेक्ट करस ते मॉनसून काय इफेक्ट होस कमी के ना होस जनरली आता समर उन्हाळा मा मॉनसून नो फोरकास्ट होस एवरी ईयर करंट रेट आहे का ना फोरकास्ट आहे का ना 98% छे तर जनरली एक एनालिसिस करस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी एस्टिमेट होस मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट थी के की मॉनसून नो रेट कितको होस मॉनसून हमने कितको इफेक्ट करस का मुलिकन ये वर्ष 98% विल बी नॉर्मल का मुलास तर एक लास्ट 15 इयर्स नो एवरेज होस इको परसेंटेज का मुलिकन तिना हिसाब प्रगति विल बी 98% तर मॉनसून विल बी नॉर्मल दिस ईयर तर ये वर्ष भी हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट ने कई भी इफेक्ट होत नहीं एग्रीकल्चर कमा इफेक्ट होत नहीं कतरा होत नहीं की हमारो एग्रीकल्चरल स्पेंड हमारो फूड इन्फ्लेशन कम मस सर इन्फ्लेशन में फूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमने तो हमारो इन्फ्लेशन कम मस सर सेकेंड तीन इफेक्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबली ग्लोबली दोनों दोन देश सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में बिलीव करस फर्स्ट देश है ना जापनीज जापान में दे हैव ओवर इन्वेस्टमेंट्स एंड ओवर सेविंग्स एक मनुष्य 100 रुपये कमायो तरह 120 रुपये चौनू सेविंग्स है था काय करस था मस्त बैंको तुम्ही जे कन एफडी रकम गया तरह जपान में तुम्ही एफडी करा था ना इंडिया में काय होस तुम्ही एफडी करा तो तुमने 6% 7% तुमने इंटरेस्ट देस जपान में तुम्ही जे कन एफडी करा तरह तुम्ही एफडी बैंक राखले हो ना बैंक ने तुम्ही 2% देनो तर तो ना तिक्कू सेविंग्स है इंडिया में काय छे स्टिल वी हैव सेविंग्स हाई सेविंग्स सान इंपॉर्टेंट का तरह सेविंग्स नो आम्ही कम्मा आम्ही जे कन एफडी करास की एफडी ने एक रिटर्न देस 6% 7% कर तई रिटर्न काय छे ते रिटर्न कम्मा तुम्हारा इन्फ्लेशन थी जस्ती छे अगर एफडी माइनस इन्फ्लेशन इफ इट इज पॉजिटिव इट इज कॉल्ड एज ग्रोथ का मोरस आता इन केस इन्फ्लेशन इज 5% एफडी रोड इज एफडी रेट आई कैन 4% का समझो दैट मीन्स वी आर स्टिल मेकिंग हमी आई कना हमारो ग्रो एफडी रेट कम छे कमरे तर आवर एक्चुअल इनकम इज -1.5% कमरे जे आता एफडी आई कना 7% इन्फ्लेशन 5% छे कतरा वी आर एक्चुअली मेकिंग अ रिटर्न ऑफ ओनली 2% नॉट 7% कदा कना आवर एक्चुअल इनकम इज ओनली 2% तर इन्फ्लेशन इज ईटिंग अवे द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स कमरे जे तई एग्रीकल्चर एंड मॉनसून प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल करस तई ही आप असे इन्फ्लेशन हमारो काय इन्फ्लेशन छे तई एक इंटरेस्ट रेट ने इफेक्ट करस अगर इन्फ्लेशन जास्ती असी तरह आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कमा भी जास्ती असस इन्फ्लेशन रेट कमा जास्ती असस की इंटरेस्ट रेट भी जास्ती होस इंटरेस्ट रेट जास्ती ही तरह तुम्हारो कंपनीज ने बोरो करान गया तरह एक मनुष्य ने बोरो करान गया तरह क्यों
या जो जस्ती पड़ोस या जस्ती तरह चोने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जस्ती पड़ोस ता एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ इंटरेस्ट रेट आई कना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आणि मैन्युफैक्चरिंग रेट वाला लई इफेक्ट करस ताई आई कना लई डिटरमाइन करस ताई आम्ही कंसीडर करू पड़ोस आता ऐकू सगळी अनालिसिस करा पछि नेक्स्ट आम्ही इंडस्ट्री नावास आय थिंक ग्लोबली नॅशनली नेक्स्ट काय अनालिसिस करायचं फंडामेंटल मग इंडस्ट्री करास आता आई ग्लोबली यापछि लोकली यापछि लोकल मग कोणती इंडस्ट्री ना आम्ही इफेक्ट करायचं इंडस्ट्री ने इफेक्ट करायचं मग फर्स्ट आम्ही काय फॉरमोस्ट देखणो इंडस्ट्री नो प्रॉस्पेक्ट काय छे फर्स्ट पॉइंट अनालिसिस अनालाइज द प्रॉस्पेक्ट ऑफ इच इंडस्ट्री कोणत्या इंडस्ट्री नो काय प्रॉस्पेक्ट छे आता करंट सिनारियो मग અમારા દેશમાં અગર છે તો ઇફેક્ટમાં ઈ કોમર્સનો પ્રોસ્પેક્ટ ઇઝ બેટર મતલબ તમને ઈ લર્નિંગ હસંદે ઈ કોમર્સ હસંદે કારણ કે તેઓને સજ્જાનો કોસ્ટ કંઈ નહીં તો બડલ જગાથી વર્ક ફ્રોમ હોમ કરતા હશે વર્ક ફ્રોમ હોમથી ડિલિવરી કરતા હશે તેઓનો બિઝનેસ આતા ચલતા હશે હજુ ચલતા હશે દે આર ડુઈંગ બેટર બાકી કોણ છે બ્રિક એન્ડ મોટર કો બોલો સામે બ્રિક એન્ડ મોટર અગર તમારા કિરાના દુકાન કપડાં દુકાન તે સભી સજ્જાન ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં દે આર ક્લોઝ તો તેઓને લઈ જાસ્તી ઇફેક્ટ પડીસ इंडस्ट्री पैरामीटर्स मिस कर फॉलो कर फ्यूचर प्रेडिक्ट करा ना इट जस्ट बिकम्स डिफिकल्ट इंडस्ट्री एनालिसिस पक्कू कर फ्यूचर ने प्रेडिक्ट करा आई प्रेडिक्ट करा ना काय डिफिकल्टी आय फोर फॅक्टर्स लय इफेक्ट करस फर्स्ट फॅक्टर आहे ना सेन्सिटिव्हिटी टू बिझनेस सायकल कोणतं कारण बिझनेस ना सायकल ना इफेक्ट करस तुम्हाला गव्हर्नमेंट नो पॉलिसी असते चेंज सडन पॉलिसी असते ग्लोबल फॅक्टर्स चेंज होते आता फार्मा आता लास्ट टू इयर्स मग ट्रम्प आयात असती तो अमारो इंडिया नो फार्मा इंडस्ट्रीज मेजरली यूएस मार्केट्स ऊपर डिपेंड होता था मस्त आम एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करता था लई जाती अपना इन्फ्लुएंस हो जो प्रेसिडेंट हो तो यो को बराक ओबामा जो आई कैन ओबामा केयर कम्युनिकेशन करे तो ओबामा केयर मध केयर में मस्त जेनरिक लई इनकरेज करो तो फार्मा इंडस्ट्री ने लई जाती डिमांड हो ट्रम्प आइकन काय करियो जो रियलाइज करियो कि इंडियन फार्मा इज डॉमिनेटिंग यूएस नो फार्मा इंडस्ट्री को मिलकर जो जेनरिक्स ने रेस्ट्रिक्शन करियो आता आई कोविड ही आप अस्ती जो सडन कन तीनों स्टैंड चेंज करी करना आता तुम्हें लास्ट वीक में पेपर में सभी वाचल उसनो न्यूज में सभी बोले उसनो नहीं एक पर्टिकुलर हाइड्रोक्लोरिक्सिंग मैं एक ड्रग ने तुम्हें कहता धाड़ा नहीं तरह तुमने इंडियन उपलब्ध बैन करूस इंडियन उपलब्ध एक्शन लूस करो तो करी करना मस्त जो FDA approvals pending पड़ी थे इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज ने सडन कन जो सभी अप्रूव करी ना इंडियन फार्मा ने अवॉर्ड करो अवॉर्ड करता हमारे फार्मा सेक्टर ने एक बिग बूस्ट मिली तिना कारण थी मस्त फार्मा फार्मा इंडस्ट्रीज सडन कन शेयर प्राइस जाती है वैल्युएशन चेंज है दैट इज इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टू बिजनेस साइकल नेक्स्ट इंडस्ट्री लाइफ साइकल इंडस्ट्री कौन सा साइकल में है इंडस्ट्री में एक फर्स्ट इनिशियल अर्ली स्टेज का एक ग्रोथ का एक स्टैग्नेशन स्टैग्नेशन नाव एक डीसाइक्लिंग नाव को फेस मत है इंडस्ट्री एनालिसिस कर थर्ड स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक कंपनी स्ट्रक्चर कई है कंपनी में कितना लेवल्स है लीन एंड मीन है का लई मोटू इंडस्ट्री में लई जाती खर्चो करता का कैरेक्टरिस्टिक कौन है निस्तू कंपनी निस्तू खर्चो करतूस की रिटर्न भी करता का एक कैरेक्टरिस्टिक एनालिस कर लास्ट प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ द प्रॉफिट पोटेंशियल कंपनी थी प्रॉफिट आउटपुट की जातू सर कंपनी की खूब प्रॉफिट कराने की नो आई छे दम छे तई एक एनालिसिस करनो पड़ोस तई एक इंपोर्टेंट क्राइटेरिया आता तिनाम से कंटिन्यू करे तो सेंसिटिविटी टू बिजनेस साइकिल को बोलियो ऑटो इंडस्ट्री ने फार्मा फार्मा इंडस्ट्री तई एग्जांपल दियो सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री करंटली हमने एक बूस्ट मिली सर ऑटो इंडस्ट्री ग्लोबली ऑटो इंडस्ट्री ने लई इफेक्ट पड़ी सर इलेक्ट्रिक कार्स आया पस्ती थी मस्त जन ऑटो इंडस्ट्री जाता नहीं तो ग्लोबली ऑटो इंडस्ट्री डाउन साइकिल में है फार्मा साइकिल इंडस्ट्री उपलब्ध भी है तीना में एस्पेशली आई इंसिडेंट कोविड है पे आवा फार्मा इंडस्ट्री इज डूइंग रियली ग्रेट कम रही है इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एनालिसिस स्टार्ट फेज में है ग्रोथ फेज में है मेच्योरिटी में है डिक्लाइन में है
स्ट्रक्चर एंड क्यारेक्टरिस्टिक्स भी तुमने बोलो क्या है प्रॉफिट पोटेंशियल तुमने समझाड़ियो सर आई एनालिसिस करनो पड़ा इंडस्ट्री में तय कौ करो सर फर्स्ट आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स कदर इंडस्ट्री वैल्यू क्रिएशन आई इंडस्ट्री आई कंपनी से इंडस्ट्री में तिने कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है आता तुम्हें एक फार्मा कर बोलिया फार्मा में इंडिया क्लोज टू अराउंड 28 मेजर फार्मा कंपनीज है कदर दिस 28 कंपनीज आर कॉम्पिटिटर्स टू ईच अदर तो कौन बोले आई कंपनीज 28 फार्मा कंपनीज को बोला पी आता एक कंपनी क्रोसिंगन गाड़ी तई सर डोलो कौन गाड़ी क्रोसिन एंड डोलो तिनाम सिनारिस्ट आई थिंक एक ना सेम ड्रग सो दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन कदर सेम कंपनी नो डिफरेंट आई करे जे तो बोले जे दैट इज कंप्लीटर्स के कंप्लीटर्स के कदर प्राइसिंग कमोस तई आई अंडरस्टैंड प्रॉफिट कम आप प्राइसिंग कमोस की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होस तई लागनो पड़स थर्ड पॉइंट अगर आदा था प्रोडक्ट कड़ी कौन सी कंपनी तई आ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बोलो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन छे का कदर कॉफी टी एग्जांपल इने बेस्ट कम बोले जे अगर कॉफी सडन कम कॉफी कॉफी नो बीज नो अगर कॉफी पाउडर नो ग्रेट जस्ती तरह तेने इमीडिएट सब्स्टिट्यूट काया टी पाउडर अगर टी नो पाउडर सस्तु असी कने कॉफी पाउडर जस्ती तरह कॉफी पे ना मस्त टी पी आन शुरू करस अगर सब्स्टिट्यूट ही नम टीन सडन कन डिमांड होस टीन इंडस्ट्री विल डू गुड कम बोले जे तेने सब्स्टिट्यूट कम बोलस ते कौन सो सब्स्टिट्यूट चेक आती ने कंपनी ना ते एनालिसिस करनो पड़स थर्ड लास्ट बट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट साइज एंड स्कोप ऑफ बिजनेस अगर कंपनी नो काय साइज ग्रो करान काय साइज कैपेसिटी छे आणि यू नो किकू लॉन्गेटिविटी कंपनी ग्रो करे छे दैट इज स्कोप ऑफ बिजनेस कमोले छे तई एनालिसिस करनो पड़स आई कौ करे छे फर्स्ट बिजनेस एनवायरमेंट अगर कौन सी कंपनी स्टार्ट करनो तो बिजनेस एनवायरमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कमोले छे बिजनेस एनवायरमेंट में काय काय फैक्टर होस लेबर मार्केट कदा लेबर अवेलेबल छे का लेबर थी सेकेंड पॉइंट जनो मिलस का काम कराना तीन लेबर नो मोल काय पड़े सॉरी लेबर नो मोल काय पड़े कैपिटल बनवल मिलस का काय इंटरेस्ट रेट पड़े सी इमीडिएट दाम मिलस का व्हाइट में किक मिलस ब्लैक में मिलस बैंक सेल करस का तई देखनो पड़स थर्ड प्रोडक्ट मार्केट कदर डिमांड छे का प्रोडक्ट ने आई थी देखा पी सप्लायर्स सप्लाय करना छे का आम्ही मस्त आम्ही सप्लाय करू करता कंपनी सप्लाय करू करता ट्रक्स लेनो ट्रक्स लिया पास जिन मेंटेनेंस करो ड्राइवर ने रखो ऐसे भी नहीं इसको इजी सप्लाई हो उसका सप्लाई कॉस्ट कम पड़े उसका लास्ट बट नॉट द रिस्क हम सभी को कराया तर भी डिमांड छे का लेना छे का दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर्स कमा कस्टमर्स जास्ती हो उसकी देयर इज मोर डिमांड आई सभी कराया पास नेक्स्ट बिजनेस एक्टिविटीज आई ही आप नेक्स्ट बिजनेस एक्टिविटी करे कि ऑपरेशन क्या क्या ऑपरेशन करे क्या इन्वेस्टमेंट करूँ क्या फाइनेंसिंग करूँ आई तीन कराया तरह तिने आम्ही स्ट्रॅटेजी करे की काय तिनो फॅक्टर्स आणि बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज ने करायला काय की फॅक्टर्स चे तिनो अनालिसिस करी की ना तिने काय काय रिस्क चे ते रिस्क ने कौ मिटिगेशन करणो ते स्ट्रॅटेजी झाले छे आता बिझनेस एन्व्हायरमेंट ने कॅपिटल स्ट्रक्चर ही गॅप ऑडिटर ते सभी ही मेजरमेंट अँड रिपोर्टिंग ही चॉईस ऑफ अकाउंटिंग ही आणि सभी मिळाई की ना आमने फायनान्शियल स्टेटमेंट आवर्स आई फायनान्शियल स्टेटमेंट कसा इम्पॉर्टंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी स्टॉक प्राइस ने ड्राइव करस कदर कमा तुम्हारो आई सभी फैक्टर्स आई करस की तमा अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस कदर तुम्हारो आई प्रॉफिटेबिलिटी आई फाइनेंशियल स्टेटमेंट काय असस मेन थिंग तीन नाम तीन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स असस एक आहे ना इनकम बिफोर इनकम एंड टैक्सेशन ईबीआईटी कोमोलस नेक्स्ट क्राइटेरिया इज इनकम बिफोर टैक्सेस लास्ट इनकम आफ्टर टैक्स कोमोलस द पैट कोमोलस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आई तीन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया की तुम्हारा स्टॉक प्राइस ने ड्राइव करान अदा पैट लाइज अस्ती लास्ट इयर में तुमने 100 करोड़ इनकम अदाल एचडीएफसी बैंक नो प्रॉफिट्स डिक्लेयर ही तो एचडीएफसी बैंक प्रॉफिट्स इज प्रॉफिट है ना इज मेंटेन्ड एट 18% ग्रोथ तुम्हें काड़ेस अदा एचडीएफसी बैंक नो शेयर प्राइस कसा उपला जातो उसका तरह एवरी क्वार्टर एचडीएफसी बैंक है ना 18% नो ग्रोथ देखाड़स कमा तुम्हारो कंपनी नो ग्रोथ 18% कंसिस्टेंटली देखाड़स की थे तुम्हारे स्टॉक प्राइस भी एवरी वर्ष 18% ही तुम्हारे स्टॉक प्राइस भी अप्रिशिएशन होस ते क्राइटेरिया असस ते इन्फॉर्मेशन कम असस आता ते म्हणा 18% दी नेक्स्ट इमिडिएटली काय बोलस ते इन्फॉर्मेशन मग ते काय देखाड्या प्रॉफिटेबिलिटी ह्या पसती ते आम्ही एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नो ह्या पसती ते कंपनी प्रेडिक्शन देस कदर आम्हाला नेक्स्ट क्वार्टरली प्रेडिक्शन काय छे कोमलिका तई आम्ही कंपाईल कमा करस की नेक्स्ट क्वार्टर
नो अर्निंग्स प्रेडिक्ट करणं इज युअर्स. तिना प्रती आम्ही एक आहे कसं इम्पॉर्टंट प्रॉफिटेबिलिटी आणि प्रेडिक्शन्स आहे प्रेडिक्शन्स आणि प्रॉफिटेबिलिटी आमने कोण तो स्टॉक चूज करणं कमाई हेल्प करस कमाई तुमने हेल्प करस की तुम आम्ही रिअलाइज करायचं 18% कंपनी ग्रोथ होतो सर कन्सिस्टंटली नेक्स्ट क्वार्टर बी ग्रो सर आणि आता 18% ग्रोथ होतो सर आय कंपनी करंट प्राइस काय छे आणि कंपनी 18% ग्रोथ सुद्धा करंटली आता 500 रुपया छे कणं समजो कारण कंपनी शेअर नो प्राइस 18% कंटिन्युअसली ग्रो होस कतर आणि करंट प्राइस रिजनेबल छे की नाही इको व्हॅल्युएशन दिए जे की नाही त्याही हेल्प होस अमे ते कमा हाय करस की अमने रिअलाइज करान होस की हाई एक्सपेक्टेशन आम्ही रिटर्न्स हायर एक्सपेक्टेशन करायचे की नेक्स्ट क्वार्टर ने ते नाही कमवली तर आम्ही एक्सपेक्टेशन करायचे आई सभी इका की चार पैरामीटर हमने कंपनी नो फंडामेंटल आई करान आई करस आता आई डिटरमाइन कराना फर्स्ट पॉइंट एक्सक्यूज आई कंपनी कौन चलातू उसको हु आर दे कौन चलातू से कंपनी कंपनी कौन तो प्रोडक्ट की सर्विस ऑफर करतूस आधा मुका आधा बोलो HDFC बैंक कंपनी HDFC काय प्रोडक्ट एंड सर्विसेस आपने ऑफर करस ते प्रोडक्ट करस की सर्विस करस सभी कौन पार्टिसिपेट करस की जस्ट जनरली बोले जाए HDFC बैंक का प्रोडक्ट ऑफर करस की सर्विसेस ऑफर करस हेलो सर्विसेस प्रोडक्ट एंड सर्विस सर्विसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेस ओके HDFC एक ना प्रोडक्ट एंड सर्विसेस दोन भी ऑफर करस सर्विसेस का तरह बैंकिंग इज काय बैंकिंग ऑफर करस इट इज कॉल्ड एज बैंकिंग सर्विसेस प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस दैट इज प्रोडक्ट दैट इज नॉट सर्विस आई भी ते ऑफर करस दे HDFC बैंक एक ना बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विसेस दोन भी ऑफर करस ते कोणे नेक्स्ट टार्गेट करतास HDFC बँक आज बी 18% कसान ग्रोथ रेट छे हु आर दे टार्गेटिंग कसान ते ग्रोथ रेट छे इट जस्ट अ कॅज्युअलिटी क्वेश्चन ना कसान तो ग्रोथ रेट कोणे टार्गेट करतास बोलो कसान HDFC बँक लास्ट 10 इयर्स नो बॅक एक कॉन्शियस डिसिजन लिया आणि टार्गेट चेंज कर्या काय कर्या तर दुसरा बँकिंग आणि सर्व्हिसेस ने कोण ऑफर करतात की ते रिअलाइज करा आणि अनालिसिस करा की हमी निस्तु कंपनीज ने करा टार्गेट तर काय होस कंपनी कोण तर डुबी गे तर आम्हाला कंपनी भी डाऊन येईल 10 वर्ष खाले लई NBFC सही करणं गरीब होण्यास भी लोन दी सिटी फायनान्शियल का तुम्ही कंपनी नो नाव याद ऐकेल असं 10 वर्ष खाले सिटी फायनान्शियल लई नाव होत होतो ते लई गरीब होणं लोन दी करणं हायस्ट इंटरेस्ट चार्ज करी करणं दाम पे कराने का रोड झाड़ी का सभी वसूल कर लेता था टाइम मॉडल भी फ्लॉप ही है सिटी फाइनेंशियल एड्रेस ने भी नहीं आई डोंट कंसीडर करी का रियलाइज कर कि हमी सभी सेगमेंट में भी असनो हानी कौन तो सेगमेंट में भी हमी ओवर स्ट्रेस कर लूना होस्ट को हमी इनकम छेते सेगमेंट ने टारगेट कर लो तमाम तुम्हें इनकम है उसकी तुम्हारा रीपेमेंट हिस्ट्री विल बी गुड कमरी का ना दे मेड अ कॉन्शियस डिसीजन we will offer our services and products only to people who have the ability to pay us back. They model change karya. I change karya pasti HDFC bank last 10 varas thi every quarter every year 18% thi growth dekhatas ek time ma te 22% bhi grow karas that is most important who are they targeting tamara amne realize hos ki whether the business has got a potential or not a potential who are they targeting kar apsi next question who are their clients now upar mein HDFC bank bolyo to na clients kona they are class apart they are targeting all clients whether they industries ne bhi de sa public ne bhi de sa garib hone they don't have any lending whether they kya kar sa microfinance kya bolo sa in a city financial business hote model they are not into microfinance at all whether रिस्की क्लाइंट्स तो ना पोर्टफोलियो मस नहीं अगर रीपेमेंट हिस्ट्री नहीं थे वाला तो ना क्लाइंट लिस्ट मस नहीं अगर तुम्हारो डीएल दामा 100% विल कम बैक टू यू दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लास्ट बट नॉट द लिस्ट हु इज देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर तुम्हें कौन तो कभी कंपनी है करो अनलेस द मैनेजमेंट टीम इज नॉट गुड द कंपनी विल नॉट प्रॉस्पर कौन लगे अगर तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है आता जो ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया HDFC बैंक में
એ વર્ષ લોટ ઓફ ચેન્જીસ હતું તેના મેઇન કોણ છે એચડીએફસી બેંકનો એચડીએફસી બેંકનો કોણ એમડી એની તમને ગોત છે કે નહીં કે કોણ કે કાલે ઉને ગોત છે તેનું નામ પણ તો ગોત છે કે બોલે છે કોણ તો ગોત છે કે નામ કેનું દીપક પારેખ દીપક પારેખ દીપક પારેખ લાસ્ટ આદિત્ય પુરી દીપક પારેખ ઓલસો ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ એચડીએફસી આદિત્ય પુરી ઓલસો ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ એચડીએફસી હુ ઇઝ કરન્ટલી રનિંગ ધ શો વિથ એચડીએફસી બેંક કોણ રન કરતું શો દીપક પારેખ કી આદિત્ય પુરી કી આદિત્ય પુરી આઈ કોન આન્સર કરેલ મને કળી નહીં વિવેક વિવેક સુપર આદિત્ય પુરી ઇઝ ઇન ધ ન્યૂઝ રીસેન્ટલી કસાન ઇઝ પ્લાનિંગ ટુ ક્વિટ ઓર સમથિંગ હી ઇઝ પ્લાનિંગ ટુ ક્વિટ યા નોટ અ રાઇટ આન્સર He's going to retire in October. Retirement, yeah. Exactly. Kone hai bole ki, hats off to you. HDFC Bank, Aditya Puri is retiring. That you know, government no, ek rule chahi RBI no, ek person hai kan 60 years se retire hono normally kan. Fortunately, unfortunately, Aditya Puri no term is getting closed. Last 10 years to me history gaadi kan dekha kara. HDFC Bank ne Aditya Puri joined in 1998 ke 2002 mein jo join karela post that HDFC bank he has made it as a force in India reckoning jo city financial city bank thi ILGO tina karti HDFC bank aaj tak forces aaj jo chhodtos jo retirement hotos karna there is a fear with the investors of HDFC bank ke HDFC bank no same 18% growth rate maintain hoski nahi kar ab tumhi kon kon market mein chekhi dekhela asto ki HDFC bank no share price ekana જો છોડસ કમાઈ ગણ 40% રેટ કમ પડીસ ધેટ્સ અ ઇમ્પેક્ટ કદરા હિસ રિટાયરમેન્ટ ઇઝ ક્રિએટિંગ સચ અ હ્યુમનલેસ એફર્ટ ઇમ્પેક્ટ ઓન ધ શેર પ્રાઇસ તઈ બી આઈલેન્ડ ઉપર કસા કદી નેક્સ્ટ કોન એચડીએફસી બેંક ને લીડ કરસ કે જો આઈ ગ્રોથ રેટ મેન્ટેન કરાન કેપેસિટી છે કા ધેટ ઇઝ અ ક્રાઇટેરિયા તઈ બી ઇફેક્ટ કરસ આઈ કન્સિડર કર્યા પછી નેક્સ્ટ આમી રિયલાઇઝ કરનું કે કંપની કાય સાઇઝ માં છે કંપની લાર્જ કેપ કી મિડ કેપ કી સ્મોલ કેપ કી માઇક્રો કેપ કી આઈ માર્કેટ આઈ કોન ટુ કેપ તો લાર્જ કેપ કી મિડ કેપ કી આઈ ડિટરમાઇન કરાના માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ઓફ કંપની લે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોસ માર્કેટ કેપ કતર કંપની નું શેર નું મોલ કાય છે ઇનટુ તિના કિકા શેર્સ માર્કેટ માં અવેલેબલ છે તિનું મલ્ટીપ્લાય કર્યા દ્વારા માર્કેટ કેપ અવર્સ માર્કેટ કેપ કંપની લાર્જ કેપ કી મિડ કેપ કી તમ બોલાના ઇઝી ડિટરમિનેશન કરસ અને લાર્જ કેપ કરતા બોલા તરા જનરલી એની કંપની વિચ ઇઝ ગોટ અ માર્કેટ કેપ ઓફ મોર દેન 15,000 ક્રોર રૂપીસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ લાર્જ કેપ કંપની કમોરસ એની કંપની વિચ ઇઝ ગોટ અ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ઓફ 5,000 ક્રોર્સ ટુ 10,000 ક્રોર્સ ઇઝ કોલ્ડ એઝ મિડ કેપ કંપની ઇઝ કમોલેસ ઇનફેક્ટ 2,500 ક્રોર્સ ટુ 7,500 ક્રોર્સ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ મિડ કેપ કમોલે છે એન્ડ 7,500 ક્રોર્સ ટુ 15,000 crores or tinamadma it's called as a blue chip or next large cap promoters other kon to companies is got a market cap less than 1000 crores is called as a small cap promoters any company which has got a market cap of less than 250 crores is called as a micro cap promoters hai kasan cap ka matlab bolas ke kasan categorization kar sakta tha લાર્જ કેપ આઈકન તમને શેર્સ નું લિક્વિડિટી કે તમે લેવા દેવાના લઈ ઈઝી હશે મિડ કેપ્સ ને બી તમે લેવા દેવાના જરા લિક્વિડિટી કમ હશે સ્મોલ કેપ્સ માં હજુ કમ હશે માઇક્રો કેપ માં તમે એક જ ટાઈમ ને તમારે 10,000 શેર ઇકનું કદરા હોતું નહીં કદરા લેનારા તીકું ક્વોન્ટિટી મિલતા નહીં ધેટ્સ વાય ઇટ્સ કોલ્ડ એઝ માઇક્રો કેપ કોમ્બોસ કઈ એક ડિફરન્શિએશન કદરા શેર પ્રાઇસ વિલ ડિટરમાઇન વોટ ઇઝ ધ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન વિલ હેલ્પ યુ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ whether we can hire large cap ki mid cap ki hum determine karana easy ho tamam ne kya ho sir hame investment cycle ne fundamental analysis se karana easy ho ki sahi industry ko compare karana hame easy ho next up management ada tumne HDFC Magnus example diyo management stable che ka ek varas Aditya Puri odito હતો તો બેસિકલી મેનેજમેન્ટ સ્ટેબલ હતું 18-22% ગ્રોથ રેટ દેખાડતા દેટ વાય મેનેજમેન્ટ વોઝ મોસ્ટ સ્ટેબલ આ તિને અનેક એક્ઝામ્પલ દેનું કતર
इन्फोसिस आणि लागतानो फोटो एखादं रेकग्निशन छे त्यो मनुष्य एखादं याद छे त्यो कोण का बोलानो होस का 10 वर्ष खाले ही वॉज द बिगेस्ट स्कॅम आणि त्यो लाईव्ह न्यूज मोर होतो सत्यम कॉम्प्युटर्स नाव रामलिंगम राजू लवली रामलिंग राजू माहितस माहितस मेटास मेटास सत्यम लई एक इंटरेस्टिंग आहे छे फॅक्टर छे काय कन पडत गोचे का मेटास भी सत्यम इफ यू रिवर्स सत्यम मेटास एक्झॅक्टली सत्यम ने एक्झॅक्टली उलटा करे तर इट जस्ट बिकम्स मेटास कंपनी सत्यम ने मेटास कट्यो कदर कंपनी काय प्रॉफिटेबल छे की ओव्हरनाईट आम्ही प्रॉफिटेबल नाही होईल की सबने डुबा आणि तई इन्सिडेंट को बोलाया पछि तिना एक मारो एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मन लई एक रिमेम्बरन्स छे सत्यम नो ते सत्यम कमा इन्सिडेंट ही जो आई कन टीवी में बोलियो की तिना शेयर कर दोस्तों ने इन्सिडेंट सत्यम कद्दी जो टीवी में आई कन सत्यम डूबी इसका बोलियो की कद्दी कद्दीन दिवस हम आई कन एक रैली के कमाने एक कंपनी में कर्नाटका हेड कन काम करतो एडवाइजरी हेड आणि कसान मने तई दिवस याद छे कदर तद्दीन दिवस एक 10:30 घंटा ना मारा एक क्लाइंट ने 5000 शेयर हूँ सत्यम शेयर सु देवाड़ो तो 350 रुपया ना देवाड़ेला हाफ एन आवर ने शेयर नो मोल 15 रुपया ऊपर सड़न चढ़ी शेयर हूँ 5000 शेयर इकाट्यो इकाड़ी का ना ऑफिस ते मार ऑफिस ऐकन तदी तो ते टाइम ना मार रेलिगन ऑफिस ऐकन कनिंगहॅम रोड मोर होतो कनिंगहॅम रोड मोर होतो मला एक सडन एक क्लाइंट मीटिंग होतो कनिंगहॅम थी मारा जुनियर अर्थ ने निकलो अपॉइंटमेंट ऐकन मलेश्वरम 8th क्रॉस मोर होतो एक्झॅक्टली गोटाडीन आयो सर ऑफिस थी फोन आया सर तळकर सत्यम शेअर्स लियो ते राखिलियोस की इक्विटीओस कम बोलीगन हम ऐक्यो कसान कम बोलीगन सर सत्यम नो तुम्हें आई देव करना जो सडन का टीवी वॉल्यूम इंक्रीज करो जो बोले सत्यम डूबी सकना 350 रुपये इकेल शेयर हुआ सत्यम इस तो कनिंगहॅम रोड थी गुठली सर्कल का जास्ती का डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर असतो 350 रुपये शेयर सडन का 140 रुपये ही कदा तिक्कू इफेक्ट पड़ोस मार्केट में उपला तई देख लो पड़ोस दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया मैनेजमेंट is most stable or not tinasati that incident still reminds me tara how either take appointment nahi asala sutara fortunately unfortunately au ikel nahi asu taiya 5000 share into 150 rupyo ajin najika tumne goche ki kiku loss hai rasu amarika that's why management stability is most important criteria next pointer Hemant, recent change in management yes Can you talk about circuit breaker just for the benefit of all? Okay. Market ma circuit breakers na sir. Generally kya sir? Ha tumhi kontar bhi bolo share price ekan demand and supply thi determined hos ka molikana. Generally public ne loss hona ani trend issue hona ka molikana. Share market ekana dar ek regulations thi drive hosa. इंडियन मार्केट में सेबी कन छे स्टॉक एक्सचेंज सेबी कौन एक ऑर्गेनाइजेशन छे ते एकना हमारा स्टॉक मार्केट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करे छे अमेरिका में एकना एसईसी का एकना एक ऑर्गेनाइजेशन छे ते एकन तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करे छे सेबी ना प्रकार थी रूल्स दिया छे जनरली शेयर्स एक दिवस ने 20% थी ऊपर ने तत्तर ने गई तरह तदिन दिवस शेयर नो प्राइस जस्ती ट्रेडिंग होत नहीं कदर सडन कन शेयर अदर 100 रुपया नो शेयर छे कैसे समझो 20% उपला रख तो 120 रुपयो मैक्सिमम तिनो उपला कदी ते इमीडिएटली 120 रुपयो तदिन गया कदर तिनो उपला रा तुम्ही ते शेयर इकाल लेवान लेवाना देवान होत नहीं तो 120 रुपयो होता छ सर शेयर एक हाफ नर ट्रेडिंग बंद यस तुम्ही बाय सेल करना होत नहीं तमाते सडन कन तिना ते डिमांड ने वॉल्यूम आई तरह ते शेयर मोल तमा कमी तरह तमा आणि रिलीज होस ते एक 20% का मोलस कब मात्र लाइक कंटीन्यूअस 20% एक 2-3 दिवस ही तरह तमा ते 20% एकना 10% हीस ते कंटिन्यू ही का आणि 2 दिवस
10% ఎక్కడ 5% కట్ వస్తుంది అది 5% కంటిన్యూస్ హీట్ అవే వార దెన్ సడన్లీ ఇట్ ఇస్ షిఫ్టెడ్ టు 3% ఆర్ దీని అయితే ట్రేడ్ టు ట్రేడ్ కేటగిరీ కట్ వస్తుంది ట్రేడ్ టు ట్రేడ్ కేటగిరీ కాయకదా సో షేర్ ఆస్ లియో సో సడన్ గా మనమా లేదా ఆజస్ ఇకాన్ అవుతుంది ఇంట్రాడే రాన ఛాన్సెస్ నే సో ఆస్ లియో టీ ప్లస్ టూ కు సెటిల్మెంట్ కమల సెటిల్మెంట్ కదా ఆస్ట్ మిలియా తర్వాత షేర్ దోన్ దివస్ వస్తే తుమారా డిమాట్ మావస్ సెకండ్ వర్కింగ్ డే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ ట్రేడ్ టు ట్రేడ్ ఆర్ సెటిల్మెంట్ టీ ప్లస్ టూ హియాప్ వస్తే తుమ్మి షేర్ ఇకాన్ వస్తే నేను తుమ్మి షేర్ ఇకాన్ అవుతుంది టై సెగ్మెంట్ మా హాల్టర్స్ టై క్లాసిఫికేషన్స్ చే ఎక్ ఎక్ దపార ఐ కొంత షేర్స్ లాస్ట్ క్యాప్ తుమ్మే కేటగిరీ లాస్ట్ స్లైడ్ మధ్య కాడు లాస్ట్ క్యాప్ స్టాక్స్ అయితే ఎఫ్ఎన్ఓ సెగ్మెంట్ వచ్చాయి కదా ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ సెగ్మెంట్ వచ్చాయి టై సెగ్మెంట్ మా అసే షేర్స్ నే 20% అప్పర్ సర్క్యూట్ లోవర్ సర్క్యూట్ అన్వయ్ హోతుని కదా 20% సర్క్యూట్ తినే ఇంప్లిమెంటేషన్ నెయ్యా టై స్టాక్ అయితే 40% 50% బి ఉప్లాడుకోండి హియేజే తుమ్మ 20% 10% హోతా చేస్తే 5 మినిట్ బంద్ వస్తా ఇమీడియట్లీ ఇట్ ఇస్ రిలీజ్డ్ 15% నెక్స్ట్ వస్తా 15% వ్యాపస్తే 20% వస్తా 20% వ్యాపస్తే దర్ ఇస్ నో లిమిట్ ఫర్ ఇట్ ఈ కాయంతో ఉప్లాడుకోండి హియేజే అదా మార్కెట్ కళ్ళే చేస్తామే తై సినారియో ఇండెక్స్ నేవి అప్పర్ సర్క్యూట్ లోవర్ సర్క్యూట్ అన్వయ్ హోసా అదా జనరలీ మార్కెట్ అదా అయితే సవాన ఒంటాన్ మార్కెట్ స్టార్ట్ వస్తా అదా 9 to 9 o'clock యాక్చువల్లీ మార్కెట్ స్టార్ట్ వస్తా 9 o'clock టు 9:07 అయితే ప్రీ మార్కెట్ కొమరస్ ఆర్ మార్కెట్ మేకర్ కొమరస్ అదా తుమి బై సెలింగ్ యాక్టివ్ వస్తుంది తుమి ఆర్డర్స్ ఘాలేజే ఎగ్జిక్యూషన్ హోసి నై హోసి డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ తై కమ్మా తై డిమాండ్ అండ్ సప్లై కాయ హోస్కి తై దట్ విల్ డిటర్మైన్ ఓపెనింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద స్టాక్ 9 to 9:07 నమ్మ తై 9:15 మార్కెట్ ఓపెన్ వస్తుంది 9:15 ఓపెన్ అవుతాస్ సపోజింగ్లీ మార్కెట్ కదా 10% ఓపెన్ అవుతారు ఉప్లార ట్రేడింగ్ విల్ బి హాల్టెడ్ అదే మార్కెట్ విల్ బి క్లోజ్ ఫర్ 1 hour ఫర్ 1 hour మార్కెట్ విల్ బి హాల్టెడ్ ఆఫ్టర్ 1 hour మార్కెట్ విల్ అగైన్ ఓపెన్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ గోస్ టు 20% ఇన్ కేస్ market will be halted for the day the full day trading will be suspended index neck criteria same case for lower circuit also and in case 10% hi ek hour market band kar ya the sudden market open hi open ikana 15% gayi again market will be halted for 1.5 hours don't matter madma hasi tara 15% circuit also after 1:30 it has becomes 25% circuit close tara 1:30 ya pasti 20% సనే మార్కెట్ క్లోజ్ అవుతుంది ఇట్ విల్ బి 25% ఆఫ్టర్ 2:30 దర్ ఇస్ నో సర్కిట్ మార్కెట్ కెన్ గో అప్ టు 30% ఆల్సో దిస్ ఆర్ ద క్రైటీరియా సో సర్కిట్ కోన్ ఐ క్యాట్ డౌట్ క్లారిఫై కరియో సను ఓ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇష్యూస్ ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ సత్యం ను ఎక్స్ప్లెయిన్ కరియో మేనేజ్మెంట్ స్టెబిలిటీ అస్ను మోమరికన నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కరియో రీసెంట్ చేంజ్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ రీసెంట్ చేంజ్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ మొదలు ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్ చేంజ్ ఉన్నాయి బోల్నుకున్న ఇష్టపడు సార్ అదే రీసెంట్లీ అయితే ఎక్క ఎస్ బ్యాంక్ అయితే కంపెనీ తి మస్తు జనం ఐకేలు వస్తున్నాం త్యా మేక్ మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ అదే కాయ సడన్ గా మనకి ఎస్ బ్యాంక్ సత్యాన్ని నసుకో సో ఓవర్ నైట్ ఎస్ బ్యాంక్ డూబీస్ అయినా గవర్నమెంట్ నే అయి అయ్యా లేకంటే గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియర్ ఈకన ఫస్ట్ టైం హిస్టరీ మద ప్రైవేట్ బ్యాంక్ నే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ఓవర్టేక్ కరికన కాళి స్వాధీన కాళి సడన్ గా కాయ ఎస్ బ్యాంక్ ను కాయ చేకి మేనేజ్మెంట్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఓవర్టేక్ కరి సడన్ చేంజ్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ హీ మేనేజ్మెంట్ హీ కన్ కాయ రూల్స్ కాయ బోలీస్ గవర్నమెంట్ కాయ డిఫైన్ కరిస్ కదా ఎస్బీఐ కన్నా ఎస్ బ్యాంక్ ను 51% స్టేక్ లేస అని 51% మా కంపెనీ ఎస్బీఐ తీన్ వరస తిను కంపెనీ రాకలేస అని తినామా 2/3 రాకలి కన్నా 1/3 మాత్రం తేను ఇకేజే బాకీ ఇకాన్ నెయ్య లాక్ ఇన్ పీరియడ్ మీకు అయి కరిస తై నమ్మేత దుసా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బి స్టేక్ లియజే బట్ తోనే బి లాక్ ఇన్ పీరియడ్ వస్తాం అయితే అయి కరి ఇనామ సడన్ గా కాయ చేంజెస్ 18th ఆ ఇన్సిడెంట్ లాస్ట్ మంత్ మై గవర్నమెంట్ రూల్స్ సడన్ గా చేంజ్ కరి 18th కి 20th మార్చ్ లు కూడా కొన్ ఎస్ బ్యాంక్ నా షేర్ లియాస పబ్లిక్ కి తోనా షేర్స్ మా 75% లాక్ ఇన్ మా జాస్ కదా 20th మార్చ్ నా పైరు కొనుక్కొని లియా షేర్స్ బ్యాంక్ మా సౌ షేర్ లేదే సౌ షేర్ నా ఒకటారు కొనుక్కొని లియాస సౌ షేర్ లియాస్ సమ్జో 75 షేర్స్ ఇకాన్ హోతుని
25 શેરો માત્ર ઈકે છે ફોર 3 યર્સ બાકી 75 યર્સ શેર્સ 75% સ્ટેક કેનો 3 વર્ષ તે ઈકાન ને ઇટ્સ લોક્ડ ઇન કતરા મેનેજમેન્ટ ચેન્જીસ સડનલી મેનેજમેન્ટ ચેન્જીસ કારણથી યસ બેંક કોન્ટુ વેલ્યુએશન ડુબી સમયા તક બોલાય તા કે સડન ચેન્જ ઇન વેલ્યુએશન ઇસ કંપની ધેટ ઇસ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્રાઇટેરિયા રીસેન્ટ ચેન્જ ઇન મેનેજમેન્ટ અથવા રીસેન્ટ ચેન્જ ઇન મેનેજમેન્ટ લઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર સંગત શેર પ્રાઇસને ઇમ્પેક્ટ કરશે કૌ ઇમ્પેક્ટ કરશે વેધર ઇટ ઇઝ પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ નહીં અમે ક્રાઇટેરિયા દેખવું પડશે કે રીસેન્ટ ચેન્જ ઇન મેનેજમેન્ટ વેલ્યુ એડિશન કરતું કે વેલ્યુ ડિસ્ટ્રક્શન કરતું છે કંપની નહીં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ એનામાં એક્ઝામ્પલ હું તમને સ્લાઇડમાં સત્યમ ઇન્ફોસિસ ધર્યો છે સંગત અહીં લાસ્ટ મંથનું સ્લાઇડ રીસેન્ટ લાસ્ટ મંથનું પહેલાનું સ્લાઇડ અહીંયા રીસેન્ટ ચેન્જીસ અને હું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે બટ રીસેન્ટ ઇન્સિડન્ટ હિસે કારણથી મસ્ત જણોને જેના મેમરીમાં યાદ હશે સર યસ બેંકનો તે કારણથી ત્યાં એક્ઝામ્પલ સાઇટ કરતો છું મેં નેક્સ્ટ ક્રાઇટેરિયા ઇન્ડસ્ટ્રી એનાલિસિસ કરશે એનામાં બિઝનેસ જરા બિઝનેસમાં ટુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્રાઇટેરિયા દેખવું લાગે છે પ્રોફિટેબિલિટી જરા કેટલું કંપની પ્રોફિટ દેતું છે તો 100 રૂપિયાના કેટલા પર્સન્ટ પ્રોફિટ દેખતું છે હું HDFC બેંકનો તમને બોલ્યો HDFC બેંક ઇઝ ગિવિંગ 18% પ્રોફિટેબિલિટી કન્સિસ્ટન્ટલી ફોર ધ લાસ્ટ 10 યર્સ દેટ ઇઝ અ પ્રોફિટેબિલિટી દેટ ઇઝ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્રાઇટેરિયા અદા ત્યાં પ્રોફિટેબિલિટી તે કાય કરશે તો HDFC બેંક કોણ તો સેક્ટરમાં છે બેન્કિંગ સેક્ટર તે બેન્કિંગ સેક્ટરનું એવરેજ કાય છે તેનાથી કેટલું હાઇએસ્ટ છે તો અહીંયા બેન્કિંગ સેક્ટર તમે દેખાય કરો પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સ profitability is only 8% private sector profitability is 14% the HDFC bank is giving 18% the industry it is giving 4% more value terms ma karyo tara 4% divide by 14 it is giving roughly 25% more the industry it is giving 25% higher deliverance the criteria kada tune industry 100 rupees valuation as kada HDFC bank is valued 25% more so the 125 rupees on valuation premium ye right calculation karana ho so tumhi valuation tarasma 25% extra valuation dena prastavne next criteria solvency kadar kaya ada sadangana yes bank kadar bolyo yes bank nu crisis so taya yes bank dubi tara by chance yes bank diwali tara kina yes bank na utkar kika jano dependent tara sa jone wapas paisa milas ka that is called as solvency ઇન કેસ HDFC બેંક આજ ડૂબી તો HDFC કરના સ્ટેક હોલ્ડર્સ ને વાપસ જવાનું પૈસા છે કા દેટ ઇઝ સોલ્વન્સી તે સોલ્વન્સી રેશિયો કોમ બસ અથવા સોલ્વન્સી રેશિયો કસાણ ઇમ્પોર્ટન્ટ કદર અથવા સડન કંપની ડૂબી ગઈ ડૂબી કા સમજો કંપની કદર મસ્ત કેશ હસી તરહ બેન્ક ડિપોઝિટ હસી તરહ કેશ ઇન હેન્ડ હસી તરહ તે સભીને વાપસ દામ દિયા તરવી કંપની વિલ હેવ કેશ રિચ તેનું વેલ્યુએશન વિલ બી ગિવન અ પ્રીમિયમ દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટુ બી ફેક્ટર ટુ બી બોર્ડ in fundamental analysis next fundamental analysis ma most important criteria financial statements the financial analysis ko karasa micro management ma kay karasa ami financial statements analysis karasa financial analysis ma first point aikana ko analysis karasa balance sheet the balance sheet ko bola pachi ami kay karasa balance sheet ekane amaru jatak company no jatak no asko company amaru jatak ma kay karasa yo dev gana ek manush gana yo rakshas gana જો આઈ રાશિ વાલો આઈ રાશિ છે તો વાલોમાં એકસો તમે દેખાશ કે દશા કાય છે તો એને શનિદશા ચલતું રહે તો શનિદશા ચલતું કરે તું બિઝનેસ કરતો તું નામ વાપસ જતો નહીં તો એ તમને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર તો બેલેન્સ શીટ આઈ કને જલમ કુંડી નસકો તમે તમાર તમાર બેલેન્સ શીટ દેખાશ કે કંપનીનું જાતક કળશ કે એ કાય કરતા છે બેલેન્સ શીટમાં તેનું આસેટ્સ કેટલું છે તેનું લાયબિલિટીઝ કાય છે એટલે આસેટ્સ એન્ડ લાયબિલિટીઝમાં બોલાય પછી અમે દેખે છે કે કેશ ફ્લોઝ કાય છે લાયબિલિટીઝ કાય છે જો કિકા જનો જોને કંપની સાલા દિયા છે કિકા જનો કંપની થી ઋણ લ્યા છે દામ આવું કે દામ જાણું કે જામ બેલેન્સ શીટ માં દેખાડશું મેં નેક્સ્ટ કે કિકુ અસેટ્સ કમ બોલ્યો અસેટ્સ કમ બોલ્યા પછી કંપની નું કાય અસેટ્સ છે ફિક્સ અસેટ્સ કાય છે કરંટ અસેટ્સ કાય છે તે અમે બોલે છે ત્યાં નેક્સ્ટ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ કમ બોલસ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ માં કાય દેખાડશે જોનું કાય કેશ ઇન હેન્ડ છે કેશ ઇન બેંક છે જોનું પ્રોફિટ પર્સન્ટેજ કાય છે તે અમને એનાલિસિસ કરવાની ઇઝી હશે થર્ડ એક કેશ ફ્લો કન દેખાડશ કેશ ફ્લો કમાં આવો કે તમને દેખાડશ કે કોણ તો ઓપરેશન થી કેટલું કેશ ફ્લો આવતું છે અહીં કીધું હતું કંપની નું કોણ તો સેક્ટર ચોટ કરતું છે કોણ સેક્ટર કામ કરતું નહીં છે કોણ તો સેક્ટરમાં તે ચોટ નહીં તો સેક્ટરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને દામ હાલ કરતા છે
तई हमने एक एनालिसिस कराने इजी होस या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फुटनोट्स फुटनोट्स है कना जनरली मस्त जनो अहिया लई इग्नोर कर फुटनोट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कसांग कंपनी कई तरह चेंज ही तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज कर कई तरह एडजस्टमेंट्स कर फुटनोट्स मे तई फुटनोट्स देख लिया तो हमने कल कि कई चेंजेस ये कर सडन का कौन कॉस्ट सर तुमने क्या सर एनपीए को आता कोविड नो आई से कारण थी गवर्नमेंट का बोली सर एनपीए जनरली है ना 180 डेज कौन पे करता ना कि 180 डेज ना उपलारा ते है ना एनपीए का मोहिम बोलस क्लासिफिकेशन करस ते का कर ये क्वार्टर में रिजल्ट में देश में फुटनोट में कलस कि ड्यू टू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन पीपल हु आर नॉट पेड इन 180 डेज हैव नॉट बीन टेकन इन टू एनपीए का बोलस मतलब देर इज अ प्रोबेबिलिटी ते बी एनपीए होसी बट फुटनोट मे डिस्क्लेमर डिटेल्स दैट वील हैव टू बेर इन माइंड एंड मेक अ प्रोविजन इन आर वैल्युएशन That is the importance of footnote. Come again, Bruce. Next, I can auditor's report. Auditor's report is an important. Like, there are company na two auditor also sir. Generally, one internal auditor also, one external auditor also. Aye, kasan two auditor also sir. There are internal auditors also. There are that tomorrow government also. Tomorrow, kaisa karya? The government kaisa sir? Government please na upar jasas. There are aye, maros re, government re. Sabhi ne karnu na, amar bandwal karna. Chok kaisa government cutters. ते कारण की आई होम ना म्हणजे कन एक्सटर्नल ऑडिटर असस एक्सटर्नल ऑडिटर ऐकना तो लई डिलिजन्स करनो पडस आता एक्सटर्नल ऑडिटर काही तर मिस्टेक करू होतर सत्यम स्कॅन ही ॲप असती एक्सटर्नल ऑडिटर ने लई रूल्स चेंज करायचा लई स्ट्रिक्ट करायचा ते एक्सटर्नल ऑडिटर्स काही तर चुक्या तर बाय चान्स एक्सटर्नल ऑडिटर ने तिनो ऑडिट करानो परमिशन्स कॅन्सल करायचे नाही तिनं आपला ह्यूज फाईन बी घालायचे तई कारण की जो ऐकना ऑडिटर रिपोर्ट ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर तिना रिपोर्ट मग कहते तिने कळले नाही ते ना तिने कहते डाउट आज मेंशन करू तर इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड तिने प्रीमियम देनो की ते आम्ही डिस्काउंट करू ती खूप कम कहते गोल मलचे का आणि अनालिसिस करणं इजी होस लास्ट बट नॉट द लिस्ट मॅनेजमेंट डिस्कशन अनालिसिस अहिया मोस्ट इम्पॉर्टंट क्राइटेरिया जनरली एव्हरी क्वार्टरली रिझल्ट यापासी आता एव्हरी क्वार्टरली कदर जनरली काय होस तीन महिना एक क्वार्टर असते इंडिया मग एव्हरी क्वार्टरली तीन महिना यापासून कंपनी ऐकणं 40 डेज मध्ये कंपनी नो रिझल्ट डिक्लेअर करणं अदर एक्सचेंज ने डिक्लेअर करणं आणि फाईल करणं ते पब्लिक डोमेन मध्ये असं ते नमे ते एक्सचेंज ने डिक्लेअर करेल दिवस सांगणे की नेक्स्ट डे की एक मॅनेजमेंट डिस्कशन एक मॅनेजमेंट कॉन कॉल करस ते टाइम ने ते काय कंपनी चलावस की मॅनेजमेंट इम्पॉर्टंट की क्रायटेरिया की पर्सनल काय बोलस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ते बटिकना ते पब्लिक नो आई करस की काय करनु कोमरिकन तर ते आगळ काय करनु कंचे ते बिझनेस सायकल ने काय इम्पॅक्ट पडस ते सभी बोलस तई आम्ही आई करनु पडस इट मेक्स लॉट ऑफ सेन्स काय कंपनी नो काय आई करस पब्लिक क्राइटेरिया कोमरिक आई काउट डिस्टर्बन्स करस आदा अर्निंग स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट करयो ग्रॉस प्रॉफिट ईबीआईटी ऐसा सभी तुमने गोचे आई टेक्निकल टर्म्स तुमने स्लाइड में देख लीजिए काय कोनो आई कना लास्ट बट नॉट ऑल दिस हमने काय इंपॉर्टेंट छे पैट पैट का आई पॉइंट नेट इनकम दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नाम आता आई कसान हमने यूज हो सर आई आई हमने रेशियो एनालिसिस डिटरमिन करा इजी हो सर रेशियो एनालिसिस कमा हमने करस की रेशियो एनालिसिस कसान करा सी आई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तीन फैक्टर्स रेशियो एनालिसिस एक स्टैंडर्ड हमने एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दूसरा कंपनी से कंपेयर करना हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे सर करंट कंपनी ऑपरेशन्स ने वैल्युएशन करणं हेल्प करत सर पास्ट परफॉर्मन्स कंपेअर करणं विथ इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स आणि दुसऱ्या कंपनी करणं हेल्प होसं कंपनीनं काय एफिशियन्सी चे ऑपरेशन्स काय एफिशियन्सी चे काही आम्ही अर्थ कलेजे लास्ट आम्ही काय नंबर्स चे आहे आम्ही कॅल्क्युलेशन करणं आम्ही इझी होस ते इम्पॉर्टंट क्राइटेरिया रेशियो अनालिसिस ना नो रेशियो कसा आम्ही रेशियो अनालिसिस करत सर मग छे ते रिसोर्सेस प्रॉफिट्स अँड लॉस कन्वर्ट करणं आम्ही इझी होसं रिसोर्सेस आणि फायनान्शियल फ्लोज मध्ये आम्ही एक रिलेशनशिप बिल्ड करायचे आणि आई रेशियो अनालिसिस आमने कंपनी नो काहीतरी डिव्हिएशन चे का कंपनी नो पास्ट रिझल्ट नाही तर इंडस्ट्री ना मध्ये दुसऱ्या कंपनी ना डिटर्मिन करायला आमने इझी होस ते कारण ते रेशियो अनालिसिस करायचं आणि कसा रेशियो अनालिसिस करायचं रेशियो अनालिसिस आमने कंपनी नो लिक्विडिटी देखायचं तर कंपनी किको कॅश चे किको आई करायचे एक्सपॅन्शन करायला दाम चे का नेक्स्ट काय बेनिफिट करायचे तई आम्ही आई करसो
with kai speed ki ame ahi kare je company te ahi kare je company no efficiency amne dekhana easy hos inasati amne te use hos next important criteria profitability analysis kasan ame profitability analysis karantunnu company no efficiency janana kalela avana kadar company efficiently function kartu uske nahi kadara kasan kadara adadami efficiently kadara कंपनी अभी जनरली लायक ना एफडी में घलाया था एफडी हमने एक ना 8% रिटर्न दिस कितना थी एफिशिएंटली रेंट करेगा हमने रिटर्न्स देता उसका तो हमने एनालिसिस कराना होगा सेकेंडली हाई प्रॉफिटेबिलिटी ओनर्स क्रेडिटर्स एंड मैनेजमेंट ने कैसा कंसर्न चेका तो एफिशिएंटली मैनेज करता उसका कहीं एक होगा एंड इनकम स्टेटमेंट सेल्स ओनर थे हमने हेल्प करते उसकी नहीं कहीं करे डिफरेंट टाइप ऑफ कौन तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देसा सेकंड एक ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का अर्निंग्स बिफोर इनकम एंड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय सेल्स ऑफ द कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देसा नेक्स्ट एक ना नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेक्स्ट दिन अनेक वर्ड भी बोलो डिवाइड बाय सेल्स नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब लास्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रिटर्न ऑन असेट्स जरा हमी घर से बंडवल ने कि प्रॉफिट हमने आउट सर तई बोला सर जरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट बोला सी अनेक वर्ड डिवाइड बाय कंपनी ना कि असेट्स है तई हमने देखा रस तई वैल्युएशन रेशियोस आणि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जनरली हमें काय फॉलो करो सर अर्निंग्स पर शेयर तुम्हारा सर इन्हें अनेक अर्निंग्स पर शेयर ने ईपीएस कम नहीं बोला सर EPS का काय करता है टोटल प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विद आउटस्टैंडिंग विद शेयर होल्डर्स अर्निंग्स पर शेयर देसा एक एक इंडस्ट्री भी एक एक अर्निंग्स पर शेयर आवा सर दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्री नो प्रकार के हमारा अर्निंग्स पर शेयर कंपनी में पहुंचे कंपनी का ना आई अर्निंग्स पर शेयर कसान इंपॉर्टेंट था अर्निंग्स पर शेयर इज पी रेशियो ढूंढाना ईजी हो सर पी रेशियो का प्राइस अर्निंग्स रेशियो को मतलब अर्निंग्स प्राइस अर्निंग रेशियो काय करता करंट शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर हमने पी रेशियो दिस एवरी कंपनी एक एक नो एक एक कंपनी में एक एक पी रेशियो आणि इंडस्ट्री नो पी रेशियो भी असस आता इंडस्ट्री पी रेशियो होती की कंपनी नो पी रेशियो कम असी तर कंपनी इज अंडर वैल्यूड कमल असं इंडस्ट्री पी रेशियो होती कंपनी ओवर वैल्यूड असी तर कंपनी इज ओवर वैल्यूड कमल असं जास्ती असी तर कसान ते रीजन डिफरेंस आवश्यक था कंपनी नो मैनेजमेंट छोट असी करना ते प्रॉफिटेबिलिटी छोट डिप्लॉय कर सके देयर इज अ प्रीमियम तिना करती पी इंडस्ट्री थी जासी असे कंपनी ना मैनेजमेंट छोट नी जब फंड्स बराबर डिप्लॉय करता नहीं सकता पी कम अस तो इंडस्ट्री एवरेज थी पी हमारो कम अस तिना सुधी ते शेयर प्राइस कम नहीं अस ते हमने आर्टिकल ऑन भी इजी होस दिस इज फंडामेंटल एनालिसिस आईकू कराया था हमने जनरली अर्थोस की कंपनी फंडामेंटली छोड़ चेकी नहीं करोगे काम आई हमने हेल्प करा उसकी हमें शेयर लेनो नहीं लेनो अनि कंपनी वैल्यूएशन छोड़ चेकी नहीं करोगे काम दिस इस आई या आपने केला बोले ला बेसिक सा या हम एडवांस भी छे तर ते लई वास्ट हो सा कवर करने भी लई टाइम लगा सा इनाम सती और मिस्ट बेसिक सा आज द सेशन में कवर करियो सा आता इक्केल में बोले ना तुमने एक 10 मिनट सा विंडो ओपन करू सर एज डाउट्स आर क्वेरीज आर इतरा पण इतरा आई के जे आणि तिरा बोलू तुम्ही हँड रेज करे तर तोने अनम्यूट करान भी इजी हो सर हॅलो हॅलो हा ऍक्च्युअली आता सबी स्टडी करान सबी अनालिसिस करान we don't have that much experience or as we discussed yesterday now in this regard is there any reliable source of information like you are into the this field so years together so now you know that public sector what is the general profit 8% private 14% but all that these data because there are n number of sites are available where we will get different type of data possibilities there so what data we should be referring is there any criteria or reliable sources that should okay da ek dalal street mein ek magazine hai sir
It's a very good source of reference point. Fundamental analysis करने को तो दलाल स्ट्रीट तुम्हें refer कर रहा था. It gives तुमने एक मस्त companies तुम गए तुमने information दे सा and तुमने लाई education दे सा. अनि दाई magazine आई के ना लाई reliable चे मस्त वर्ष से भी circulation में चे and ये लाई मस्त valid points भी चे. अनि एक follow करना रहा भी मस्त लोगों भी चे. तुम्हें तय follow कर रहा भी. Online चे और दलाल स्ट्रीट how generally I how tina ekna printed version ne subscribe karo sir every month I get a magazine or ek magazine ho sir it's a very good reliable source of information monthly okay thank you ani kone ta kaise question sir ajun ek question che actually you mentioned various methods who is the target management is required and what are the who are the clients what do company do what product they are into all these criteria are there but is there any type of weightage out of the because there are various characteristics headings but which heading is you told okay. that management is very much important but correct so three important criteria to me dekhno business cycle on the business cycle to mujhe kaam company bole to starters ongoing growing stagnation decline kai industry kon sa cycle mein che profitability kai che the industry thi tumne beat kis ki profitability what are the business kon sa cycle mein che actually theoretically it is okay but as a new because unless the expert like you are there then it is how we should analyze this business kon sa business cycle mein che जनरली तुम्हें आता इंडिविजुअली एनालिसिस करनो का तरह आदा आतोने में एग्जांपल दूसरी इंफोसिस काडो इंफोसिस लास्ट 8 इयर्स थी मने गोचेस्को आउ एनालिसिस करे पका थी दे हैव नॉट बीन बाइंग बिग कंपनीज और एडिंग वैल्यू सर तो ना का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट छे की दे आर बिकमिंग एन आउटसोर्सिंग पार्टनर नॉट इंडिविजुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो इंडिविजुअल को प्रोडक्ट डेवलपमेंट करता नहीं That means they don't have anything new to offer. अगर तुमने कौन की बोला था AI technology का artificial intelligence, that is the upcoming sector. इनाम तुम्ही compare कर रहे थे रा Infosys no investment इनाम काई नहीं. अगर चौनो next growth trajectory तुमने काई जस्ती नहीं. अगर चौनो next growth काई भी नहीं. They are already grown. They are into stagnation period now. तय तुम्ही तो आठ कर लेजे. तमातीने दरा premium कम लेनु परस. Though management is efficient, आ तुम्ही management को मुझे देखा है बस्ती, Infosys में last 2 years में management में लाई गलाटो ही तो, 3 MDs change हुआ सा last 3 years में द, तब finally नंदन निवेकर ने लेकिन बढ़ा दिया सा, to show up investor confidence हम बोलेगा, तब जा, इन्हा पहलो दोन जनों आयल वाला उन्हें लाई गफला ही तो, लाई माई तो, कमाल कमाल का मार होस्ट मत मारो share price आ, effect पड़ा सा, ते share price कम नहीं होस. Okay, that is one again. Management is second. Second, next is profitability. That they maintain करना होता है उसका. अदाव तुमने बोलियो industry cycle में IT growth rate is only 3.5%. Industry increasing because they have grown so much. Even if they grow above 3.5%, it is considered to be great. तीना मधे Infosys is giving a guidance of only 3.5%, whereas TCS has given a guidance for 4.5% to 5% growth. But TCS will grow first better than Infosys. Mm-hmm. Okay. These are the three factors or criteria. Okay. These are the three main major criteria major. You can just look at. तुम्ही देखो जे. नहीं, तुम्ही कुछ भी analysis कराओ तो नहीं करता. तुम्ही एक काम करें जे reliable wealth managers कराओ. तुमने बोला कि there are around 26 companies which have got wealth managers from American chair. तीना मध्ये you can give out a try to a few guys. Most people छोड को advice भी दे सा, ते भी analysis कर सा, they'll be able to help you also. Okay, thank you. Now just for discussion further to Infosys, observation ना. Yes, please. आता economic situation कौच है, तन भाई कम देखा सा. आता economic situation ना tight मस्त रहा, कौन भी चेंज द बिजनेस मॉडल ने जाता नहीं कतर नवो इन्वेस्टमेंट नवा सिस्टम्स नवो कॉन्ट्रैक्ट्स ने जाता नहीं छेत चलेली कंजाबा करना सा छेत चलेली कंजारू कतर तुमने
जस्ट लेबर मिळस नाही दट्टू कॉस्ट मिळस मोठं एक्सपॅन्शन सर्व्हर्स नवा सॉफ्टवेअर जाता नाही. सो इकॉनॉमिक सिच्युएशन कोणत्या इकॉनॉमी मग कैसू सिच्युएशन चे तेव्हा टार्गेट मार्केट काय चे. फॉर एक्झाम्पल TCS हॅज अ बिग प्रेझन्स इन युरोप, इन्फोसिस हॅज अ बिग प्रेझन्स इन US फॉर एक्झाम्पल. आता युरोप इंडस्ट्री रिकवरी करताना इन्व्हेस्टमेंट जातो सर, वेरज US इज इन टू यु नो आता उरी का नाही आता बस छे महिना लॉक करता असं असतं. If your model is based on US, those companies which are focused on US business, pricing will start falling down. Just for the sake of discussion. If your business is focused on India, for example, India now projections will be the fastest growing country. Nava products, now discovery, you know, investment into R&D, sabhi jatus ka tara. You can start investing into companies which are more focused towards product development or solution development in Indian economy. Rather than looking at companies which are focused towards Europe and US. Ata US minus growth rate was seen ekadar less than 1% growth rate akum likhin bolta sir. Then there's no point looking at companies who are looking towards US. US is expected to grow at minus 2.5%. So any company which is looking at you know depending upon US economy, those it's not worth or putting money behind those companies. Probably companies which are more focused towards Asian markets, start looking at that. Thank you Balramda for the clarification. Any other questions? Can I proceed to technical analysis? Yes please. Yeah. Hemant, you are talking about blue chip companies, right? So how it is different from the large cap and mid cap? Any company which is getting into a market cap of more than 7,500 crores and above, 10,000 crores come on market cap, it's called as a blue chip or a large cap. There's no differentiation much. Okay. Got it. Thanks. Yeah. Is there any software available for that, or this is all based on experience or manual judgment? No software available. No, for what? For this fundamental analysis, if something like trends. Yeah, fundamental analysis, it's a vast subject. विना बघे तुम्ही मस्त तुम्ही कळले नो आणि अनालिसिस करू कुत्रा तुम्ही त्याला डीपर शिकणू पडस तर आय कौ फायनान्शियल रेशियोज को करणो. इट्स अ सिम्पल टूल तुम्ही एकदा पण शिक्या तर यू विल डू इट एव्हरी डे आणि तुम्ही कंपनीनं तुम्ही बॅलन्स शीट देखता असं पडस की तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करू की नाही करणार. आय कसा तुम्ही इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया करता मस्त जन चार्टर्ड अकाउंटंट्स कोण चे हमाजात मासून दे दुसरा जण असून दे आर एक्सलंट फंडामेंटल अनालिस्ट. तुम्ही कोणता सीए का तुम्ही गया तर दे नो बॅलन्स शीट देखायचं कळस की आय कंपनी नो बनवळ कायचं डिपेंडिंग ऑन दॅट मस्त जनो मने गोचेसको मला 15 इयर्स एक्सपिरियन्स मग हा एक 10-15 चार्टर्ड अकाउंटंट्स मिळायचं ते कंपनी ना ऑडिट करता असं मला काय करायचं कंपनी नो बॅलन्स शीट देखील का ते ऑडिट करत मग कंपनी ती दाम काढायचा नाही फीस कमोळी का ना तुम्हाला फीज ना बोललो शेअर्स डिटो अकाउंट शेअर्स काढी का ना. That shares valuation has become close to around 50-100 times today. That is their intelligence. That is their intelligence. If you have a fees 5,000, you say 5,000 share data on the ID. That 5,000 rupees share which they bought has become 5 lakh to 50 lakhs today. That is the power of fundamental analysis. I would like to step in here. Yes, please. Probably many want to have a quick investment. Dam galya, profit karya, gaya. The fundamental analysis is not about quick money. It's about wealth creation in the longer term. Most of the Q&A that is happening, yes. They are trying to find out an easy way out. I would say that share market is just like your own business. आता तुम्हार धंदा मग तुम्ही कमावी तुम्हार कॉम्पिटिशन काय छे कोणतं प्रॉडक्ट आवतुली सर कोण काय करतुली सर
क्यों आई करियो का तई करियो का कहू तुम्हें दौड़ा उड़ी कन कमा भी देखता सस के तौ स तुम्हारा एक सेगमेंट है तुम्हें सब बिना भी दाम गलांगे तर तुमने काय तुम्ही काय करता असकन तुमने कळतुनी तुम्ही सेगमेंट सिलेक्ट करनो तिनाम यू लर्न टू पिक अप द राइट जेम्स और राइट शेयर्स और राइट पोर्टफोलियो एंड यू लर्न टू कॉन्स्टेंटली सी तुम्ही त्या कंपनीना मालिक वन्स यू आर हैविंग अ इक्विटी शेयर इट इज लाइक युअर कंपनी तिनाम कोण छे कोण काय करतुली स त्यो काय करतो सकन तुम्ही ट्रैक करे तर ते कंपनी किकडे जातो सक मयकन तुमने ज्ञान आवस इफ यू सिंपली आ लियो इक्यो का तर यू आर नॉट यू आर स्पेक्युलेटिव बायर यू आर नॉट गोइंग फंडामेंटल एनालिसिस इज फॉलोड बाय इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्टर्स कोने बोलो सर पीपल हु आर इन्वेस्टेड फॉर इयर्स टुगेदर अदाव तुमने एक एनालिसिस बोला कि वॉरेन बफेट इज कंसीडर्ड द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड वॉरेन बफेट त्या ए स्टैंडर्ड में काय शेयर्स लियोस की तो आ लू रिकेल नहीं तो ए स्टैंडर्ड में तो ऐकना तुम्हें एक योजना करेल कि पेप्सी कौन एक कंपनी है तुम्हें गोतस नो तो पेप्सी ना कंपनी ना शेयर्स लियो तो जो ए स्टैंड में होतो तुम हिज एज इज 68 इयर्स टुडे जो जो ए स्टैंडर्ड में लियल स्टॉक आज लू रिकेल नहीं ही इज नॉट सीन अ रीजन टू सेल द शेयर फॉर शेयर्स ऑफ पेप्सी फंडामेंटल एंड ही इज मेकिंग मनी विथ दैट आणि तिनो एव्री इयर वॉरेन बफे ऐकन वर्ल्ड ओवर ती एक सबमिट करस इट्स कॉल्ड अस ओरॅकल ऑफ ओमाहा का म्हणत असतो जनो को जात्रे करस की तो ओमाहा जात्रे कन करस ऑल इन्व्हेस्टर्स अँड फंडामेंटल अनालिस्ट अँड वेल्थ क्रिएटर्स हा जावाना तो नो लाइफ टाइम ड्रीम को म्हणस दॅट इज How fundamental analysis. It's a long-term wealth creation, not a short-term. Next to topic, I have technical analysis. Boluski, that is a short-term money-making technique. Hemant, I would like to pause here. For yes, please. Kala Kishore, lie simple or ek example diya. You know, I invest based on my intuition or my good feel. I buy something which I like. Tanishq mo invest karu sakam molikana sunil told sorry kishore told it in a very casual way but behind that is his own fundamental research he yeah. told it very easily telling that you know jewelry is a brand and things like that sorry to interrupt but that is that was not fundamental or technical that is a common sense approach actually yeah but behind that that is common sense that's what so I told you there are three approaches to market I'm telling that Kishore told it in a very casual way however a lot of common because there is no study associated to that is only common sense is nothing there is no any fundamental or technical analysis is associated with that okay I'll tell you instead of you forming conclusions it's better I talk okay what I do is whenever I find any company to be good I generally see fundamentally how good it is technically yes. I see whether this is the right time or right price to buy and then jump into it yes so mixture of both three of these things is very important see there are 8000 companies you can't analyze all the 8000 companies by doing fundamental analysis if you do so you'll be 180 years old so it's very important for you to use your common sense identify which is the best company based upon which you can do fundamental analysis of that company if you feel yes this company is good then technically you should look at what is the price and what is the exit point that you should look at based upon which you can take a call yeah that is exactly what I was trying to say yeah thank you welcome Kanak Raj da has one question to ask yes please go ahead da please go ahead da Yeah. See, what I want to understand is how do I calculate the PE of the industry and the PE of the stock, and also how do I ascertain that EPS will be better in the future, and also how the dividend calculated in the company. Okay. The industry PE you can find it in the money control. Money control में तुम्ही कौन सा एक stock price काढ़ा तरह, इन्हें एक snippet आओ उसकी industry PE काई चेक मुरी के ना. कंपनी नो पाई काय पी छे कना इट गिव्स यू बोथ द थिंग्स सो दैट विल हेल्प यू आउट डिविडेंड इज बेस्ड ऑन
is declared based on company intuition whether they want to expand or retain the funds. Kadar the profit kai karasa, they kadar expansion karasa, they'll retain the funds. If they don't find any opportunities, they'll just dissipate it and give it in the form of dividends. That is the criteria left to the management. Ane question to me kai kai kada? Yeah, it is the EPS. Earnings per share. तुम्हें management con call host कर तुमने एक बोला था management statement को मालिक है. After every quarter results, management comes out with their snippets. That time they talk what is the growth prospects of the company, what is the business scenario looking like, and what they wish to do. That will give you an insight. It will be able to help you to draw a conclusion whether they'll be giving a bumper profits or they'll not do anything. ते अगर कहीं भी ग्रोथ करता नहीं करता तो मेरे शेयर रखने कहीं शेयर वैल्यू अप्रिशिएशन होतो नहीं. That gives you a snippet. This will not grow for this quarter or this year. And generally, annual results is more criteria, most important. April, season में कौन तो नहीं results आओ उसके. This will give them to give this time they give a guidance for whole year. The next whole financial year the guidance is. That is the important criteria for you to watch out. Okay. Thank you. But if the company is doling out more dividends, it also means that it has no great business path ahead. Not really. Last year there was a company called as Vedanta ONGC. They gave highest dividend in the sense they gave close to around 200%, 400%. Vedanta gave out around 28 rupees per share as dividend. Company share was valued around 120, 140 rupees. They gave out 28 rupees as dividend. It gave out more than FD and it is tax-free dividend. The kasan diya katara, reason was Vedanta mada government must take jasti urtu. So government wanted a source of income. They tweaked the management of Vedanta to give out more dividend. Katara, and second reason was Vedanta is into mining. So now already mining license che. They have sufficient infrastructure to develop the mines, but they do not have. They have sufficient funds, which cannot be deployed to acquire any more mines. That's why they have doled out dividend. But still, the demand for product is there or not? Demand is always there for next 1 year, 2 year. That means the growth prospect is still there. It's a dicey. No, the general thumb rule is that. The companies which dole out more dividends is lesser valued, and guys who are retaining exactly. Generally, if the company is giving out more dividends, that means they're not looking at more opportunities to invest and increase the business, or they're not looking at diversification. That is the criteria. And normally the price of the shares also drop immediately after the dividends, normal trend. Generally, it falls after dividends. Yeah. Very true. Anki, I don't know whether it is part of your thing. Share split and bonus, what is the difference? Okay. Share split, generally when a share is given in the market, it has something called as face value. Okay. When I entered the market, I entered market in 2004. That is when now share market ma placement here. 2004 ma there were companies which had face value of 100 rupees per share. But you know, company gave out share at the rate of 100 rupees per share. They face value kamalo sir. They face value kama 100 rupees na ballo 10 rupees kama karaske. It is called a stock split. The 100 rupees to share value, if the face value from 100 rupees, if it is made 10 rupees, it's called as face split. If there is a 10 rupee face value stock and it's made as 2 rupees face value, it is also considered as a stock split. Because the face value is split, it's called as stock split. Bonus, bonus kada kai kada tumakara 100 share asi 100 share na ballo ani 100 share dusa, that is called as bonus. Face value will still be the same. Face value will not change in the bonus. Hemant, sorry, one point to add here.
In yes, share yes. split, like you rightly mentioned, if a 100 rupee face value share is becoming 10, I need to necessarily hold 10 shares in return of such split. That is share split. Simply coming from 100 to 10 becomes a capital reduction exercise. Exactly. Yeah, so I need to receive... It is not capital reduction. Capital is not reduced in stock split. Share split, it does not reduce because from one share, I end up holding 10 shares of correct. 10 rupees each. Share capital goes up. No, capital doesn't go up. It stays the same. 100 rupees will remain 100, but number of shares, the outstanding number of shares go up. Generally, stock split is done to make people make the stock price more affordable and create more liquidity. Stock split. Okay. Yeah. Okay. Bonus is given out of surplus and surplus funds. Because you have cash reserves company ka jaasti hai. Correct. Instead of giving dividend, they gave a bonus. Whereas stock split is not a bonus. Whereas a stock split is not a dividend. It is only to create liquidity. That's all. Means if the face value is one tenth of this original face value, then stock price, share price will become, instead of 100 rupees, if the market share price is trading at 100, the face value is 110 rupees, then suddenly there's a stock split to 2 rupees. So the face value becomes 2 rupees. That 10 rupees share became 2 rupees. 100 rupees will be divided into 5. So okay, instead of 100 rupees, it will be 20 rupees. Okay. And what is this face value? Significance kaya rasa, means face value kaya rasa. Okay. Face value kaya kadara, that is the company's share value as per the company. Okay. At what if price the company gave the share? Company pay ko mein iska. To. The company book value. Actual book value, if I'm not wrong. Book value is different. Book value is a notional valuation. Kadara company, adha sadanga nikan gaya tara, book value is considered as a criteria. The suddenly company solvency in the company bankruptcy in file kari idra no company no valuation equal over sir kina prakar ki shares ne divide kare idra book value desa. Okay, so book value is asset book value value. Book value is only an asset value and not the face value. Face value is only mistake term che tinu ka face value. The face value is the price at which company gave out the shares to public. Okay. Clear nahi hai. No, okay. I'll explain karu, sir. There's something called as IPO. The initial tumne shares public ne de sa. It is called as IPO. IPO de sa ma. Initial public offering ka bola sa. IPO na. IPO de sa time ne. Company kaunta mall ne share du sa ka bola ka. Pricing factor karas. Inama don component as sir ek a face value the company no prakar thi share no value kaya sa samari kana tine dusra kaya valuation des ko bolo sir it is called as premium face value plus premium is the IPO price kada tumne shares ne des se price comprises of two things face value plus the premium at which people are ready to buy it at that is called as IPO pricing bandwala total bandwala ta titko aita 10 crore but इनामध्ये काय होत कंपनी ना प्रकारची शेअर कॅपिटल रिझर्व आता तुम्हारू फेस वैल्यू काय छे कंपनी नु भांडवळ प्रीमियम काय छे इट इज कन्सिडर्ड एज अ कैश रिजर्व दैट्स अबाउट इट गुडविल पेड इक्वल्स डिफरेंस कंपनी भांडवळ आहे का ना तुम्हारू फेस वैल्यू ओके ओके थैंक यू कैन आई कम इन हियर कनेक्ट हियर यस प्लीज दा तुमने इनाती क्लियरली एक्सप्लेन करू का जरा the society must share this society no share value hai kana 40 rupees that is the face value of the share per share in the society ada tina badlo in case society gets listed amatine society na profitability dekhli kana kon ta bolas ki I am ready to pay 50 rupees more adara share value becomes 90 rupees but the face value is still 40 rupees 50 rupees which the company person is ready to pay is called as a premium. Okay, got it. Thank you. So now the clear is clear. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Anybody, any questions? Can I proceed to technical analysis? Just before that, Kanakar here. Yes, please. Agenda.
Yeah. See, for face value, generally, the share price at which initially, before getting into public, this has been issued internally. So that becomes the face value of the no, share. No, 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 no. Face okay. value is the share share capital or the total number of shares given at the price. Issue price is called as the share capital. It's only the issue price. That's it. Okay. That's it. The premium extra paid is issue price plus premium is the IPO price. Okay. Perfect. And generally, internally when they give, it is called as ESOP. There's a ESOP is a different topic altogether, and ESOP pricing is a different topic altogether. There's a different parameters for it. Let's proceed to technical analysis. Thank you. Okay. That's a different topic. So I am saying when I explain karan gaya to ani half an hour just nahi. So I'll not go into that. Fundamental analysis kone to ani ke doubt check last 1 minute. I'll just wait. No questions. Ananda, I can still see your hand raised. No. I'll put the hand down. In fact, I had a question on the capital market. Yes, please. How does it actually grow time by time? I'm not really clear on that. See, now, just like TCS, where it was and how it became number one in position, how it actually grows? I said to you, the growth prospects, if they are giving consistent profits of 8% or 10%, they're both an industry. Mm-hmm. That means there's a higher premium. The stock price also will go up to that extent. Okay. That is the criteria. The growth prospects and consistent deliverance. Okay. Now, HDFC Bank, quarter after quarter, year after year, from the last 10 years, they are giving 18% growth. Whereas industry is not growing more than 12 to 14%. So you compare, where industry is 12%, HDFC is growing at 18%. So they're growing 50% more than the industry. Okay, thank you. Okay. Hemanda, it's time to, can we? Yes, please. Yeah. I'll just shift to the next topic. Next topic is called as technical analysis. Technical analysis itself is a vast topic. Technical analysis cover karto ni. I'll be covering only basics of technical analysis. Because technical analysis will take you 2 days to understand briefly a bit. Now 2 days in a dedication karna hota ni. So I'll go with a snippet. What is technical analysis? Tumne kaho hai benefit ho uska bolega. Okay. Technical analysis, Kasana. Technical analysis basically is to answer these questions. So, sorry, you are presenting because I'm unable to see. I can see only the fundamental analysis slides. One second. Now it's visible? Yes. Now it is. Yeah. Thank you. It's visible? Okay. Yeah. Okay. Technical analysis, Kasana, user. Technical analysis is used to answer these questions. First question, should I buy? At what price should I buy at? What will be the price tomorrow? If you are very good at technical analysis, you can predict the price for tomorrow. Next point, at what price will it be next week or month or year? That is why technical analysis helps you. Kasan, technical analysis karo, sir. It's an attempt to beat market. Agar market tumne 10% gayi tara, you'll be able to make more than 10%. Tumhara 6 data amti, information gathering easy ho, sir. High information thi, tumhi buy sell karana, decision karana easy ho, sir. Other marketer, coach, there are three different
swings in the market. Up, it is called as upside. Now, tumne graph mein dekha liya sir. This is called as upside. Market uplar jatu sir. Second is downside. The market turn nahi gaya. The share price turn nahi sir. Third icon sideways sir. The market no share price ek range mein chhe. Kya tarah high price range mein chhe. It is called as sideways momentum. Hai kasan important hai clean market. The market downside asi tarah it will help you to make a decision whether to buy now or postpone your decision to buy. The market downside asi tarah. The advice is don't buy, wait. If it is in a downtrend, you might get the share price at a much lower valuation than your other current valuation. Check it. Inathi kam price mein tumne sir. Sideways asi next criteria. Ada 10-15 rupaya thi 20 rupaya na range mein chaltu price a. Tama tumhi lee kan bhi prayojan nahi. Kaisa kadar 15 rupaya na avasa 20 rupaya jasa. 15 rupaya na avasa 20 rupaya jasa. Tumhe lee kan prayojan nahi. Kaisa tumhi tahi range mein sajika tumhi ikan hotu nahi. Tumhe kai appreciation miltu nahi. तिना बोलू तुम्हें दुसरा को शेयर तरने जैसे कि उपला जैसे इन्वेस्टमेंट तुम्हें जास्ती रिटर्न कराए. थर्ड एंड लास्ट इम्पॉर्टंट क्राइटेरिया अपसाइड. तुम्हें अपसाइड असी जब तुम्हें कसान शेयर प्राइस कसान शेयर ले सर तुम्हें अपसाइड देते तुम्हें रिटर्न कराए कंपनी का. आता तुमने अगर साइड वेज से सड़क तुमने अप स्क्रीन देखाई फिर शेयर ब्रेकआउट इतर तुमने कड़स की आता आई शेयर नु प्राइस उपला जा सर उपलब्ध गई तरह अगर 10 रुपये शेयर सड़क 15 रुपये जास्त तुमने कड़ी तरह इट विल हेल्प यू टू मेक ए डिसीजन तुम्हें शेयर लिया तरह हमें इको मिला सर एंड इट विल गिव यू एन आइडिया तुम्हें एक आइडिया भी मिला कि हाई प्राइस में स्टॉक जैसा है वो आई के जे कंपनी का. दैट्स अपसाइड स्विंग. आता आई डिटरमाइन कराना काय थियरीज इम्पॉर्टंट है को तो भी सब्जेक्ट आई कहूँ बता देर आर थियरीज है थियरीज है दर एक्सप्लेनेशन है अंडरस्टैंड कर सब्जेक्ट. फर्स्ट आई कना डव थियरी कदर तिने अनेक वेव थियरी का मुरस वेव थियरी कदर आता मस्त जनो समुद्र ने कहे ना बीच में देखा था उसकी बीच में जगह तुम्हें देखा था पानी है तुम्हारा आवासा पानी तुम्हारा पौ आवासा हेलाओ में आवास कदर तुमने जिगजैग मॉडल में आवास अदा कौन सा भी शेयर नो प्राइस लिया तर भी तुमने जिगजैग वेव मदस उपलार जस दैट इज अ थियरी. तिने प्रपोज करेल वालो आहे ना डव कमोर आहे ना आता तुम्ही यूएस नो इंडेक्स आहे का आमारो इंडेक्स आहे ना निफ्टी आणि सेन्सेक्स म्हणजे यूएस नो इंडेक्स नो नाव आहे ना डव जोन्स कोण बघून बोलो सर तिनु डव जोन्स ने इंडेक्स कोण क्रिएट चे की ही त्यो पर्सन आहे ना डव थिअरी प्रपोज करियो से तिना थिअरी प्रकार ती शेअर नो प्राइस वेव ना हिसाब ती जास कधी भी एकच सारखं उपलब्ध जातो नाही उपलार जास तरने वस आणि उपलार जास आणि तरने जास आणि उपलार वस वेव्स ना टाइप ने जास तिनु थिअरी तई बोलो सर. सेकंड आहे ना एफिशियंट मार्केट थिअरी को बोलो सर. थर्ड आहे ना ग्रेटर फूल थिअरी को बोलो सर. एफिशियंट मार्केट थिअरी का तरह एफिशियंट मार्केट थिअरी का आहे का तरह एनी पॉइंट ऑफ टाइम शेयर प्राइस फैक्टर्स इन द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस एंड इट फॉर्म्स ए इक्विलिब्रियम काय फॅक्टर्स चे की ते डिस्काउंट करी ना शेअर ना प्राइस मग असिमिलेट आहे ना शेअर प्राइस एक लेवल ने आवस काही थिअरी काही थिअर न थिअरी नो फुल फॉर्म. लास्ट आहे ना ग्रेटर फुल थिअरी. ग्रेटर फुल थिअरी कमावस बबल कमाणू बबल कमावस. आता तुम्ही एक दोन महिन्यां पहिलू मार्केट देखाय तर इट वॉज अ ग्रेटर फुल थिअरी. काही भी फॅक्टर्स नाही होतो इकॉनॉमी उपलब्ध जातून तो इंडस्ट्री नो ग्रोथ नहीं होती तो तिने सपोर्ट भी नहीं होतो बट शेयर नो प्राइस मार्केट निस्तु उपला जातो तो तई उपला जातो से एक थियरी नहीं करना ग्रेटर फुल थियरी करस कदर आऊ 100 रुपये लियो किसान लूस अदा 100 रुपये दस उपला जातो सर एक कोन एक 120 रुपये लेस जो 120 रुपये किसान लेस अज उपला जा सर कर लेस दैट इज अ ग्रेटर फुल थियरी. अदा ग्रेटर फुल थियरी कदर एक स्टोरी छे एक गाँव में एक ने एक तो अवस जो जाड़ना तरने सूर्य अवस तीन टोपी उपलार कोते एक तो टोपी लिखा तो सर तो टोपी ले जावाना एक एक टोपी एक तो जा ले जनों ने बोला कि कोती लिया तो कोती धरी कर दिया तो 100 रुपये दे सर मेरे का तो गाँव वाला सभी कोते ले सर जहाँ 120 रुपये नहीं कोते ले सर तई दाम में कहकर सर आनी कौन तो कोते लेकर दिया तरह 140 रुपये लूसर बोला सर जरा कोते
कार्ड में छोड़ो सर दर्जनों देखें देखें देसा यो 140 रुपये देसा आनी बोलो उसके आनी मैंने कौन सा कोते लेकर धरी कर लेकर जाता 140 रुपये लूज सका 150 रुपये लूज सका गांव वाला सभी आनी कार्ड में जासा जो आनी तरह कोते उन्हें छोड़ो सर ते ले सर लास्ट ने 200 रुपये लोगों लेकर जासा 200 रुपये जाता सर कौन सा कोते जंगल में उड़ेला स्थानी जो जनों ने बोलो उसके मैंने कौन सा कोते लेकर जाता 300 रुपये कोते लूज सका તમારા તીનો આસિસ્ટન્ટ કાય બોલો સર ગાવલાને સભી એક ગોશ કરી ગયો તમે 250 રૂપિયા દેવો આવ તમે સભી કોતે ઇન્દુ સર તમે તૈ મારા માસ્ટર મારો વાંજા નીકો 300 રૂપિયા દો લે સર તમે 50 રૂપિયા લોબ મળ સકે સભી કોતે ઈ કીડી કના 250 રૂપિયા કાળી કના દાતો ગાલી ખાલી કરો તીને ગ્રેટર ફૂલ થિયરી કો મરોસ ડાઉ થિયરી ચાર્લ્સ ડાઉ હી ઇઝ તીને એક ના ફાધર ઓફ મોડર્ન ટેકનિકલ એનાલિસિસ કો મળો સર तिने नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटर नेल्सन एंड विलियम हैमिल्टन को थियरी रिफाइन कर मेन मूवमेंट मार्केट मा भी वेव्स मोदी वेव्स तीन आई एस एक मेजर ट्रेंड को बोलो सर इट कॉल्ड एज बुलिश ट्रेंड मध्य मीडियम स्विंग्स हव सर अपस्विंग डाउन स्विंग बोलो सर इट्स कॉल्ड एज इंटरमीडिएट ट्रेंड को बोलो सर लास्ट इज कॉल्ड एज स्विंग ट्रेडिंग को बोलो सर कौन इंटरडे ट्रेडर्स कर इंटरडे ट्रेडर्स को बोलो सर पोजिशनल ट्रेडर्स को बोलो सर जो एक ना स्विंग ट्रेडिंग को बोलो टेक्निकल एनालिसिस में फर्स्ट वार्निंग दू सर टेक्निकल एनालिसिस कैन ऑलवेज मिसलीड जरा टेक्निकल एनालिसिस तुम्हें बराबर फॉलो करें नहीं तरह हाफ नॉलेज की ट्रेड करा तरह तुम्हारा छेद बनवर्ड भी जीरो ईयर्स That is the most important criteria you need to understand. If you technical analysis karan pahilo, you kai rules cheki, kai parameters cheki, correct to follow karno, karani tara, you can be misled. Second important criteria, there is a difference between noise and signals. Tara, signal kama ki nata, tumi traffic maj gaya, traffic maj asama, gaadi chala asama, signals tumi dekhli kan jasa, रेड लाइट का तुम्हें उभरो ग्रीन लाइट का तुम्हें जाओ फॉर्मलिकन तुम्हें करेक्ट रेड ग्रीन ना मध्य दर इज अनेक सिग्नल है विच इज कॉल्ड एज येलो येलो इज नॉट अ सिग्नल इट इज अ नॉइस जब तुम्हें गए जे नहीं तो तुम्हें कॉशन एडवाइस कर उभराड़े भी जाए तुम्हें डिफरेंशिएट करान कर लो कि रेड की ग्रीन उभर नो कि जानो दैट इज वाई यू शुड बी तुम्हें डिफरेंशिएशन कर लो कि रेड कलर उभर नो ग्रीन कलर जानो तभी तुमने डिफरेंशिएट करानो करनो थर्ड पॉइंट व्हाट सीम्स टू बी ऑब्वियस समटाइम्स इज नॉट जरा नाइस एग्जांपल हो यानी बोलते सुने ट्रैफिक में जा गाड़ी चलाओ समय येलो सिग्नल इज नॉट अ सिग्नल इट इज ओनली एन ऑब्वियस इट कैन बी अ स्टॉप ऑल्सो इट कैन बी अ गो ऑल्सो दैट टाइम यू हैव टू तुम्हें तुम्हारो ज्ञान उपयोग करेगा ना जावानों की नहीं कमरी का ना एक कॉशन लेनो टेक्निकल एनालिसिस सिखान पहलो नहीं तो टेक्निकल एनालिसिस समझान पहलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया किसान टेक्निकल एनालिसिस नो लिमिटेशंस चे इन्हों लिमिटेशंस कहा आया टेक्निकल एनालिसिस एक मार्केट नो अंडरस्टैंड कर लेवा में एक अटेम्प्ट बट इट इज नॉट 100% foolproof. You can be technical analysis can give you success rate of only 70%. So technical analysis ma most important time ma it confirms the trend. So tumhi kontu bhi decision aan pehlo volume ka kya liquidity demand che ki nahi. Nahi aayega na volume dekhalo sir. Demand ka ma bhi is equivalent to volume. Volume na isko kaidar breakout di tara. It is not a confirmation. It is only a false alarm. Kadhi bhi tahi tumhi yaad rakhno. Alarm volume ka mujhe kisan volume ka kaay ka tara. Aata kaun sa ek share uplab jai ka tara. Te uplab ja se time ma. Tena last 5 divas ma. Tumhi volume kadhi bhi dekhna. Kadhi ki kuch shares sa. Tino trade is ka mujhe kan. Aata last 5 varas sa. રોજ એકને 1 લાખ નું શેર ટ્રેડ ઇસ તમારી વોલ્યુમ્સ એવરેજ વોલ્યુમ્સ એકને 1 લાખ ઈ તદી ઉપલબ્ધ જશે તદી વોલ્યુમ તેનું શેર્સ નું ટ્રાન્ઝેક્શન
by chance, 3 times now, it is a false alarm. There are 3 lakh na volumes here. Nistu adi lakh ne ta 2 lakh ika ne ta nistu 1 lakh volume hai. It is not a confirmation. It's a gango. Tahi tumne beware rakhno. That is not a change in trend. Ani next important criteria. Ada kondo ek uptrend. Kada ek trend ka tumhe identify kare tara. And the confirmation kare tara. Tahi trend negate hai lugar bhi. Tahi trend continuation as is. Ada tumne ek bolio. There are 3 trends. There is a long term trend, medium term trend, and inter swing trend. Long term trend bull trend asi kadara ada current scenario ma ada market paditar bhi long term trend is still bullish ada current scenario ma technical analysis na prakara bull rally aikana 2009 ma start itu middle ma modi power ma one pailo ek small downtrend aitu 2013 ma tai trend the long term trend అచులుగురు కట్టి వెళ్ళే లాంగ్ టర్మ్ ట్రెండ్ ఇండియా నో షేర్ మార్కెట్ నో బుల్ మార్కెట్ ట్రెండ్ ఇస్ అజులుగురు సరీని సార్ బుల్ ట్రెండ్ ఇస్ స్టిల్ ఇంటాక్ట్ అండ్ ట్రెండ్ కట్ అనుకోతా అమారు ఇండెక్స్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకార కమ్మ 7500 బ్రేక్ హౌస్ కి దట్ బుల్ ట్రెండ్ లాంగ్ టర్మ్ బుల్ ట్రెండ్ కట్ అవుతా లాంగ్ టర్మ్ బుల్ ట్రెండ్ ఇస్ ఇంటాక్ట్ ఇన్ ఆ మిడ్ ఇంటర్మీడియట్ మీడియం టర్మ్ ట్రెండ్ కెన్ బి అప్ ఆర్ డౌన్ currently medium trend is up and down tar maikana tumhi assume karije next liquidity tumhi kondu shares liya tara liquidity la important criteria asa sir liquidity ko kasan determine hosa aur tumne bolyo ki large cap medium mid cap small cap and micro cap ko bolyo liquidity determines which cap the stock it is tumhi kamma bhi కొంత బి స్టాక్ తుమి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం లెవెన్ పైలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా దేకిన కదా లిక్విడిటీ కదా షేర్స్ ను వాల్యూమ్స్ చేకినే అది తుమి సడన్ గా 1 లక్ష షేర్ ఇకేవతర 1 లక్ష షేర్స్ ఇమిడియట్లీ 100 రూపాయలు ఇగాతర లేనారా చేక దై తుమి కమ్మా బి అబ్జర్వ్ కర్ను అని కన్ఫర్మ్ కర్ను కమ్మా తుమిని 1 లక్ష షేర్ ఎక్క 100 రూపాయలు లేనారా చేక మిగన్ అబ్జర్వ్ కరాకి అగర్ షేర్ 102 రూపాయ చే 100 రూపాయన అమి ఇకేవతర 1 లక్ష షేర్ immediately sell house kadra that is liquidity that important criteria technical analysis ma popular indicators che first indicator aikana technical candlesticks next aikana moving averages third aikana rsi ka molo sir inu full form aikana relative strength index ka molo aikana ఇనాపస్తి ఇలియట్స్ వేవ్ కొనవు సార్ ఇలియట్స్ వేవ్స్ కదా ఎక్క వేవ్ అస సార్ జనరలీ వేవ్ నా ఉపర్ ఉప్లాడ్ వేవ్ నా ఉప్లాడ్ సైడ్ మా సార్ తే షేర్ ఓవర్ వాల్యూడ్ చేయక మొలికన తే షేర్ ఇగ్నూ మొలికన తే తర్ని అవసరం మొలికన తే వేవ్ నా లోవర్ బాటమ్ నా రేంజ్ మా ఇతర షేర్ అండర్ వాల్యూస్ ఉపర్ ఛాన్సెస్ ఏ తుమి తే షేర్ లీ చేయక మొలిక నెక్స్ట్ ఐకన అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ కదా అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియో కు మొలికన అవ సార్ కిక్కా షేర్ ఉప్లాడ్ అత సార్ किका शेयर और तरने आता सका किका दिवस उपलब्ध तरने जाता सका इनामा टेक्निकल एनालिसिस का मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट है ना जापानी कैंडलस्टिक्स आई कसान जापानी कैंडलस्टिक्स चेक दरा इज द मोस्ट वायबल एंड इफेक्टिव टूल आणि आई कैंडलस्टिक्स है ना दूसरा इंडिकेटर्स जतने कंबाइन करे तरा मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स दिए जे candlesticks for formation ho sir candlesticks generally duration ko tar to mili ek kon ta duration mein bhi formation hoye je ek minute to bhi candlestick ho si ek hour nu bhi ho si ek day bhi kare je ek week ne bhi kare je ek mahina ne bhi kare je ek year ne bhi kare je tinama parameters char che candlesticks ke formation ne oh chelsi kada open high low close ko magin bolo sir the longer the period kada candlestick nu ఇక్కడ పీరియడ్ లాంగర్ వస్తే తిను డేటా తిక్కు బి రిలయబుల్ అస సార్ క్యాండల్ స్టిక్స్ నో దిస్ సార్ అదా కొందు అదే దివస్ ను తుమి క్యాండల్ స్టిక్స్ డ్రా కను కదరా తే కొందు ప్రైస్ ని ఓపెన్ హో సార్ తే ఐకన తుమార లెఫ్ట్ సైడ్ మా హో సార్ ఓపెన్ ఆ తదిన్ దివస్ కై
लो कलर्सकी प्राइस एक टर्न कैंडल में आँस तिने एक काड़ी हाई हलाओ तिना उपलर कौन तो एक दिन दिवस तो प्राइस हाई करस की तिने एक पॉइंट करो हाई ने भी लो ने तुम्हें जॉइन कराया तर एक स्ट्रेट लाइन धाड़ कर हाई एंड लो आव ओपन प्राइस आइकन कभी भी तुम्हें लेफ्ट आव तो दिन दिवस कौन तो लास्ट डे अगर मार्केट क्लोजिंग हो से 313 प्राइस आओ उसके लाइक क्लोज आओ सर कभी भी क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस थी उपला रसी तरह तो यहाँ ग्रीन कैंडल का मोड़ सर दूसरा दिवस यानी कहते रहा ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस थी तरने ऐसी तरह इट इज कॉल्ड एज रेड कैंडल और ब्लैक कैंडल कहते तदिन प्राइस तदिन दिवस शेयर प्राइस कम ही तो बोला सर उपला जैसे दिवस ग्रीन है तो व्हाइट हो सर बॉडी कम बोला बॉडी नु कसा इम्पोर्टेंस कर बॉडी किक्कू मोटू असस की तीनों कंपनी स्टॉक नो प्राइस मोमेंटम किक्कू इफेक्टिव असस किक्कू वॉल्यूम हो तीनों इंडिकेट कर टेक्निकल एनालिसिस में बॉडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया बॉडी तुमने कैंडलस्टिक टाइप का एनालिसिस करान हेल्पफुल हो सर कैंडलस्टिक्स ना डिफरेंट टाइप्स आवो सर एक तुमने हाय हेमंता यस प्लीज आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट वी हैव लास्ट 10 मिनट्स नाउ एंड किशोर दा हैज रिक्वेस्टेड टू हैव लाइक लास्ट 3-4 मिनट्स फॉर हिम कैन वी कंक्लूड इट बिफोर बिकॉज़ इट इज गोइंग वेरी इंटेंस आई नो इट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक बट वी आर लाइक We need to wipe it out by 9. Okay, I'll don't candlesticks explain karu sir. Okay. It'll help you out. Bullish candlesticks don't explain karu sir. Sure. Tina madhe opposite is black. Other bearish candlesticks humole je. It'll take me 2-3 minutes. Post that the forum is open to Kishore, and any Q&A we are still open. Okay. Candlesticks more don't candlesticks sir. Ek bullish ek bearish. Bullish type a. ग्रीन कैंडल्स आव सर बेरिश एक ब्लैक एंड रेड आव सर तीन मिडल में अनेक कैंडलस्टिक आव सर इट्स कॉल्ड एज न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स टाइम इंडिकेटर देते नहीं इट मीन्स डिसीजन इज इम्पेंडिंग न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स जनरली इट्स कॉल्ड एज डोजी का मोड़ती है दिस आर द फॉर्म्स ऑफ डोजी न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स फर्स्ट वन इज डोजी सेकेंड वन इज कॉल्ड एज लॉन्ग लेग डोजी थर्ड इज कॉल्ड एज ड्रैगन फ्लाई डोजी And last one is called as gravestone doji. You know, this neutral stick candlesticks kai importance nahi hai, ani itne kai mahatva nahi hai. Then candlesticks aithar hai, indecision ko mula jai. Mere decision lene ka kadhi bhi bullish or bearish candlesticks hono. But in between bullish and bearish candlestick trend change ho sakta hai, doji makes a important decision. First candlestick pattern na hanging man ne tar hammer ko mula sa. Ye kasana hai now is kadhi ra. तुम्हें कैंडलस्टिक देखा तर एक काय बोलोस सुती का मोला समाजात्मा सुती ने सुख दिला होता कैंडलस्टिक का तर ओटू बॉडी ऐकना एवढूच खूप असं की नो हँडल ओटू अवर्स आया इनकेस सुती उपलार तुम्ही झाल्या तर इट मेक्स बुलिश ओवर्स बुलिश कॅन्डलस्टिक का मुळे ना एका डाऊन ट्रेंड मग मार्केट पडस टाइम ने एक सुतीन उसको सिंबल आई तरह इट आई ग्रीन कलर नहीं था व्हाइट कलर आई तरह इट इज कॉल्ड एज बुलिश हैमर का बोला सर आई या जनरली आई कैंडल आई तरह इट सिग्निफाइज दैट मार्केट ना थी उपलार जा सकता बोलेगा ना आई सर कहते रहा ग्रीन ना बदलो उपलार जा से टाइम ने मार्केट उपलार जा से टाइम ने अपसाइड में आई सू रेड कलर रहा नहीं तरह ब्लैक कलर रहा सुती आई तरह इट सेज इट इज द हैंगिंग मैन कहते रहा मनुष्य फाशी दिया से पोजीशन को मनुष्य आई के सिंबल आई तरह मार्केट अब पड़ा सा होने सिग्नल ला तो मार्केट ना थी पड़ा सा अगर शेयर प्राइस अब ना थी डिक्लाइन हो सा सी आई बोलो सा आई यह पैटर्न को रिकॉग्नाइज करनो आई क्राइटेरिया अगर इनो बॉडी कैंडलस्टिक नो बॉडी जनरली धट्टू हो सा इनो हैंडल मोटू हो सा कलर ऑफ द बॉडी इज इंपॉर्टेंट ग्रीन आई तरह मार्केट उपलब्ध जा सकना ब्लैक आई तरह मार्केट तरने जा सा तभी तुम ये एबल टू एनालिस करनो एंड जनरली आई यहाँ सुत्ती आई करना बॉडी थी तीन टाइम आसनो तरह आई यहाँ बॉडी आई करना 10 रुपया नो आसी तरह हैंडल आई करना 30 रुपया नो आसनो तमा तुमने इन्हों महत्व आसा सा लास्ट पॉइंट
उपलार हैंगिंग मैन हो सके तो इन्हें इधर सुतीनु सिमर उसमें उपलार कहीं भी कार्डी असुन्ना इधर शेयर प्राइस का है उपलार हो जा इट शुड बी सेम ओपन ना अनि हाईर सेम असुनो और क्लोजिंग एंड ओपन शुड बी सेम तो ओपन बोले जाए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है कि ना स्टार्स का बोलो सो आई है कि ना सिंबल है ना नौ दिशा होता एक व्हाइट कैंडलस्टिक का नहीं तो ग्रीन कैंडलस्टिक मोटू है पस्ती सडन का नेक्स्ट डे तो नेक्स्ट मिनट नहीं तो एक पांच मिनट छोड़ी का ना एक डोजी कैंडल होता डोजी कैंडल ये नेक्स्ट कैंडल तुमने एक ब्लैक कैंडल होस आई नो महत्व का है कतरा आई स्टार पोजिशन प्रसान महत्व आवास कतरा इधर दोन टाइप आवास बुलिश कैंडलस्टिक ने शूटिंग स्टार का मोलोसा शूटिंग स्टार आई तरह स्टॉक प्राइस उपलब्ध जा सर क्राइटेरिया का या प्राइसेस गैप अप आफ्टर एन अप ट्रेंड स्मॉल रियल बॉडी तुमने तो सिंबलिकली रिकॉर्ड हुआ था यू नो ऑपोजिट आवर्स मॉर्निंग स्टार का तरह कदर आई ग्रीन कैंडल ना हो सर रेड कैंडल ना हो सर आई डोजियस हो सर इन्हें शूटिंग स्टार का बोलो सर मॉर्निंग स्टार का तरह तेरे मॉर्निंग स्टार का नहीं बोलो सर कदर रेड कैंडल है मार्केट डाउन ट्रेंड में ही आप अस्ती एक डोजी ही करना नेक्स्ट डे एक ग्रीन कैंडल है तरह डाउन ट्रेंड सरी करना मार्केट स्टॉक उपला जा सर तुम्हें उपला करने नेक्स्ट डे वर्स तुम्हें आई कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर लिया तरह स्टॉक प्राइस उपला जा सकते हैं बोले जाए यू नो रिवर्सल ही तरह इट्स कॉल्ड एज इवनिंग स्टार आई सिंबल नाउ तुमने कहा कैंडलस्टिक जैसे ही तरह शेयर प्राइस करने आवाज कम कम बोले जाए आई पैटर्न आवाज तरह तो ग्रीन कैंडलस्टिक सही आप से एक डोजी डोजी आप से एक ब्लैक कैंडलस्टिक की तरह शेयर प्राइस करने आवाज सा आई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आई कौ रिकॉग्निशन करनो आई कैंडलस्टिक पैटर्न फर्स्ट क्राइटेरिया फर्स्ट डे इज ऑलवेज द कलर दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द एनसुइंग ट्रेंड डाउन ट्रेंड ऐसी तरह डाउन ट्रेंड इज द फर्स्ट क्राइटेरिया तुमने बुलिश ट्रेंड कंफर्मेशन करूंगा तरह तीना उपलार नेक्स्ट कैंडल विल बी अ डोजी तई या पसी इट विल बी अ ग्रीन कैंडलस्टिक तई इम्पॉर्टेंट करनो आणि आई तीन कैंडलस्टिक्स तुम्ही ऑब्जर्व करा सर टाइम ने तई थर्स्ट कैंडलस्टिक कमा हो सर बुलिश नहीं तो बेरिश कैंडलस्टिक हो तमा तई कैंडलस्टिक नो वॉल्यूम पहिलाना चार कैंडलस्टिक्स नो वॉल्यूम थी तीन इकू येल असनो दैट इज The confirmation trend change होतो सर आणि तुम्ही शेयर ले जे का इके जे इकू तुम्ही समझी ले तरह तुम्ही analysis करान easy हो सके शेयर प्राइस उपलब्ध जा सके तरने जा सका तही तुमने ट्रेडिंग कराना हेल्पफुल हो आई दोन पैटर्न्स चे इना नमे ते अजु चार पैटर्न्स चे टाइम ना अभाव करती ते पैटर्न सज्जा ना हुआ डिस्कस करतो नहीं सर तुम्ही आणि डिस्कशन होऊन मोस्ट आणि कधी इना सेशन होऊन वी कैन ऑर्गनाइज नेक्स्ट टाइम सज्जन किशोर ने फोरम देते सर किशोर स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रोफेशनली आई कोर्स करता सर तो इना बगे मोस्ट डिटेल्स दे सर थैंक यू किशोर थैंक यू सर प्लेटफॉर्म इज योर्स थैंक यू सर किशोर यू विल बी शेयरिंग एनी स्क्रीन Yes. I'm doing it. Okay. Till Kishore shares screen, audience can ask question for Hemant. Meanwhile. Yes. Ask. Ata thode ekhane naam keda doubt asi keda. You are free to ask. Okay. Keda rasta hai keje? Apus se hamu goosh kulo forani. Deke problem nahi. No, Kishore, you can continue then. Okay. Stock Market Institute is a brainchild of me because being in stock markets with Hemant for a very long time, one thing how Artha Kalya, Jano ne kai bhi gotne isko ko try kara sa. So why kasan nao shikar nuna Jano ne? Hamare experience kai chhe, they share karan jay toh hum bolii kana. No, hami teen jan start karya. Today, 60 jan hamar team chhe, plus around 60 faculties bhi chhe. So faculty, Hemant bhi hamare faculty sa. So with vast industry experience, they have us sa. So they teach. So 16 year to 65 year old come and learn from us.
सो हमर बैचेस आइ कने वीक डे में भी छे वीकेंड में भी छे वीक डेज में साने 2 2 आवर्स फॉर 3 डेज छे एंड द कोर्स ड्यूरेशन इज फॉर 9 वीक्स 9 वीकेंड्स सैटरडेज इट इज 3 टू 6 एंड संडे 10 टू 1 सो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आइ छे ते तई छोड़े अगर तरह MBA भी करे छे MBA इन कैपिटल मार्केट व्हिच इज नॉट बीन ऑफर्ड बाय एनीबॉडी सो वी आर द ओनली वन एंड NSE इज आल्सो इंटरेस्टेड टू जॉइन हैंड्स विद अस सो वी आर जस्ट नेगोशिएटिंग विद देम सो वी आर स्टार्टिंग MBA with an international university plus a certification from NSE, which is very much valid in the market. At the same time, hamaro dusru program bhi chhe, master trader program kan chhe. Ata emanda kai te technical analysis bol diya ke, te advanced level bol diya sa. So tinam dusru usru master chhe. Ata I just to tumne basic trailer ade kadel, movie trailer. So te movie no part 1, part 2, part 3, part 4 bhi avas. So taiso more in depth jase like 50 feet khale gaya isko tai so tai bol deva sir tai chhodya kata na hamaro women centric programs cha miss finance kam boli kana pasi mutual fund na city kana separate program cha so hamaro 9 week nu kai program cha tinama hami basics se start karas so tumi kon to background wala the arbe ashe jaye tumi engineer arts karyo sir aur journalism karyo sir mai kai bhi hot nahi so not a problem tumi aaye jaye so hami scratch the bol deva sir each and every terminology kai tam market no jargon sab bhi tumne clarify kari kana from scratch bol deva sir plus next level fundamental analysis so ami kai start kare hai mandano tinama real life balance sheets kaadi kana tumne dekhadas to ai balance sheet dekha ai next company same industry mein chhe to balance sheet mein ai problem chhe so to lenu kata ai dekhi kana lenu na ko kata ai dekhi kana omit karnu ko marika sahi bol deva sir technical analysis again like what हेमंत बोल दिया के तो टेक्निकल एनालिसिस में हमें बोल किशोर दा आई थिंक देर वाज अ ब्रेक Yeah, I think there's some issue. Kishorda is not online right now, so there's some issue. Kishor is online now. Okay. Okay. I will summarize the webinar. Meanwhile, before Kishor enters, any audience has doubts, Hemant is here. You can ask doubts. We will wrap it up in another 5 minutes. Hi, the Vinay here. So is there any training lined up for intraday trading? Intraday trading ne bhi ek course hai Kishor kara. It's called as advanced technical analysis mein ek course hai. Tumne tiram purely intraday is not trading. Tumne technical analysis karaya tha. Tumi intraday trading kaun kare jaise maine ek hands holding bhi karaste. Tumne tiram ek hands free tumne hand holding mein uske kaun trading kare jaise maine. Sure, thank you. Any one of the questions? I think Hemanta. Yes, Kishor. Sunil. So I think audience are quite. I mean, today's class was a very intense one. I know it was like sometimes. Tomorrow 14 years no experience, it is not easy to adopt it, but you made it as simple as enough to understand. I would suggest the audience to me akasmatra specific point mo tumne kai tara doubts avtuskatara, we will always share their numbers, and meanwhile we strongly recommend please connect with the stock market institute. Amar contact numbers no share slides only display karu, so I'll just share with you. I was about to ask the same question. I mean, sir. Tushar Danu che Tushar, he has shared yesterday. One second. So yeah. It's there for benefit of everybody. Ek second na. Sorry, there's some connectivity issue here. You can always get in touch with me. We have courses that have been offered on a regular basis. Right now, because of this lockdown, we are having online programs also. So if you are interested, you can always be part of it. I'm not. My slide is visible to everybody. Hello. Yeah. Yes.
You can people can take a screenshot of it also if you want. And same video will be also available in YouTube Live. And कौन तुमने मिस कर रहे थे अंकित तुम्हें आईकी लेने का तरह हमारे उस समाज सेवा समिति वेबिनार्स नो सा एक यूट्यूब चैनल चे प्लीज सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल सो दैट अपडेट्स का इताउ तो सभी तुमने भी कर दो सर वी हैव अनदर टू मिनट्स इफ एनीवन हैज एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू आस्क टेक्निकल एनालिसिस एक वास्ट सब्जेक्ट है एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस त्यागरांती The more you trade, more you learn. Even after 15 years, I'm still learning. Because I make a mistake, I still relearn. No doubts? No. All right, then. Hello. And, yes, somebody. Yes, Nagbhushan here. Actually, मैंने एक doubt होता, तुम्हें ऐसा माय कमेंट करना तुम्हारे स्टॉक आई इंस्टीट्यूट बोला तो, so तुम like तुम्हारे कातर वेबसाइट से का तुम्हें कातर डिस्प्ले करेगे थे, अन्य तुम्हें कोर्सेस भी ऑफर करता तो, so do you have like a brief like काका सब्जेक्ट्स तुम तुम्हें कवर करा जा रही वॉर्ड? शेयर तुम्हें Okay. सभी details है. Okay. अन्य like about the fees and all. Fees भी course ना अपना depend होता है. Okay. अगर one day workshop है, one day workshop approximately costs you around 1,500 rupees, which is like 8 or 9 hour workshop, mm-hmm. and goes on to almost 6 lakh rupees also, which is our MBA program, which is for okay. 1 year and from an international university. Okay. Thank you. Yes, sir. All right, audience, today it's time for wrapping up and thank you so much for being the great audience. And anytime we strongly urge, please connect with the Stock Market Institute. Mr. Kishoda and Mr. Hemanda both are very welcoming people. And from Samaj Seva Samiti TV, we strongly, behalf of all of us SSK Samaj Bandhus, we show our gratitude for both of you. Thanks for sharing your time with us and educating all of our Samaj Bandhus. You're most welcome. Thank you, Sunil. Thank you, everyone, for the great question. The guys, I have one more announcement for tomorrow. So, Vanama ERP 9 classes is sir. Krishna Charan dakam bolikan te voluntarily aikana vanam basics ERP bolikan de sir. So tumar gharma kon kon ERP 9 tally shiknu kan cheki tyone bhi bolo. Ami further information tumne share kara sir. Within end of वानम नून लोगों तुमने शेयर करा सा इनफॉरमेशन थैंक यू ओके थैंक यू गाइस गुड नाइट देन थैंक यू गाइस थैंक यू एवरीवन सुपर सेशन थैंक यू एवरीबॉडी